आंखों में जुनून, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं हैं, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं UPTGT 2001 का क्वेश्चन पेपर, कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपके सामने डिटर्मिनेंट दी गई है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलेगा, अटेम्प्ट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखिए ये दरअसल हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक्स है, उसके बाद इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। अगर हम एक्स की कोई वैल्यू लेट कर लें, है ना, और ऑप्शन में भी रख देंगे वही वैल्यू, तो हम एक्स की कोई वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कोई एक जीरो मिल जाए आपको ऊपर। तो चाहे तो आप अगर एक्स की जगह माइनस वन अगर रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। पुट किया जाए भाई, पुट करेंगे हम एक्स इक्वल टू माइनस का वन, रखिए माइनस का वन रखेंगे तो ये हमको जीरो मिल जाएगा। रखिए एक्स की जगह पे माइनस वन अगर हम रखते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। ये तो हो जाएगा वन माइनस वन, यानी कि यहाँ मिल जाएगा हमको जीरो। माइनस वन प्लस टू यहाँ पे मिलेगा वन, माइनस वन प्लस फोर यानी कि ये मिलेगा थ्री, और यहाँ पे रखेंगे माइनस वन तो ये आएगा टू, यहाँ रखेंगे फोर आएगा, यहाँ रखेंगे सेवन आएगा, और यहाँ रखेंगे तो सात आएगा, सात नहीं, यहाँ रखेंगे तो छः हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे नौ हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो तेरह हो जाएगा। चलिए भाई इस वाले को तो छोड़ देते हैं, डायरेक्ट बाकी ओपन किया जाए, ओपन करते हैं इसको। तो ये माइनस का वन हो जाएगा इन टू, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तरचौक हो जाएगा कितना भाई, ये बावन हो जाएगा, माइनस नौ सत्तर हो जाएगा तिरसठ, प्लस तीन इन टू, ये छूटेगा नौ दूनी अठारह, माइनस चौबीस, अठारह माइनस चौबीस का मतलब माइनस का छः, इनको घटा दिया जाए कितना बचेगा, माइनस का नौ है, माइनस का माइनस में नहीं प्लस का नौ हो जाएगा भाई, अंदर ये माइनस का नौ बचेगा, प्लस हो जाएगा ये, और माइनस का कितना हो जाएगा, छत्रिक अठारह, ठीक है, कितना हो जाएगा, अरे तिरसठ में घटाना है भाई, तिरसठ में घटाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास तेरह, हाँ हाँ ठीक है, कितना बच जाएगा ये एक, ये बच जाएगा एक, ग्यारह बच जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा तीन एक, हाँ माइनस प्लस के ग्यारह हो जाएंगे, और माइनस कितना हो जाएगा, छत्रिक अट्ठारह हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमने बिल्कुल सही किया है ना, हमने कैलकुलेशन किया जो, ठीक है देखते हैं, ये छः नौ और ये हमारा तेरह हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, हमने कैलकुलेट किया इसको, वन माइनस का वन आया, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तेरह दूनी छब्बीस माइनस बयालीस होगा, सॉरी यहाँ पे छब्बीस माइनस बयालीस होगा, ये हो जाएगा छब्बीस माइनस का बयालीस, ठीक है, छब्बीस माइनस बयालीस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, सोलह आ जाएगा, तो यहाँ पे आने वाला है हमारे पास माइनस का वन है तो माइनस का यहाँ पे सोलह आएगा, तो ये सोलह हो जाएगा। अच्छा सोलह माइनस के कितने हो जाएंगे भैया, अठारह, सोलह में अठारह घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का दो आएगा, सॉरी है ना कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक था, तो वन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रणाम सर, चलेगा, हाँ चलेगा, बिल्कुल सही दिया यहाँ पे महोर सिंह जी ने, चलेगा मोहार सिंह, बहुत बढ़िया सर आपने एकदम करेक्ट जवाब दिया है कि पहले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, क्वेश्चन नंबर टू देखा जाए, कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नाइन डिजिट्स, कह रहा है कि नौ डिजिट्स के टोटल नंबर हमको बताने हैं, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, जिनमें सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो अर्थमेटिक में डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, तो भाई जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये दस डिजिट होते हैं, और इन दस डिजिट को मिला के हमको एक नौ डिजिट की संख्या बतानी कि कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ये हम दस डिजिट से मिला के संख्याएं बनाएंगे, है ना, एक ये हो जाएगी दो तीन चार
पाँच, छः, सात, आठ, नौ हो गए, है ना, तीन तीन छः तीन नौ, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना, सभी डिफरेंट डिजिट रखना है, सभी भिन्न भिन्न अंक रखने हैं, है ना, इनकी जगहों पे, सभी की जगह पे क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न डिजिट होने चाहिए। तो पहली जगह पे जो हम रखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास देखिए कितने डिजिट हैं, दस डिजिट हैं, तो भाई पहली जगह पे हम जीरो तो नहीं रख सकते, बाकी हमारे पास ये दस चॉइस हैं, दस चॉइस में से हम कोई भी रख सकते हैं नौ डिजिट के अंक बनाने के लिए, लेकिन हम पहली जगह पे जीरो नहीं रख सकते, मतलब हम एक से लेकर नौ तक अंकों में से कोई एक अंक रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे नौ डिजिट रख सकते हैं। फिर जो डिजिट रख गया है इनमें से कोई एक डिजिट रख गया होगा एक से लेकर नौ तक में, जो एक बार रख गया उसे दोबारा नहीं रखना, तो मतलब एक चला गया तो अब हमारे पास जो दूसरे स्थान के लिए जीरो भी तैयार खड़ा है कि हमें भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे नौ आ जाएगा, मतलब दूसरे स्थान पे हम एक अंक तो इनमें से खत्म हो गया, मान लो हमने एक रखा ये खत्म हो गया, अब हमारे पास इन जो बचे हुए नौ अंकों में से एक अंक रखा जा सकता है, रख लिया हमने, फिर एक अंक रिपीट हो गया, अगली बार आठ रख सकते हैं, अगली बार सात रखेंगे, सात के बाद छः रखेंगे, छः के बाद पाँच रखेंगे, पाँच के बाद चार रखेंगे, तीन रखेंगे, दो रखेंगे, मतलब जो हमारे पास टोटल डिजिट होंगे वो क्या होंगे, नाइन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब कि नाइन इंटू कितना, नाइन फैक्टोरियल ये बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, नाइन फैक्टोरियल, जब उनको मल्टीप्लाई मिलेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ नाइन डिजिट होंगे विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, वो क्या होंगी भाई, नाइन इंटू नाइन नाइन फैक्टोरियल होंगे, यानी कि दो में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है वो टू में करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया है गुड़िया कुमारी मैडम जी का, बहुत बढ़िया, मौहार सिंह जी बहुत बढ़िया, अरुण सर बिल्कुल सही, चलिएगा साहब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, तीसरा प्रश्न देखा जाए, तीसरे प्रश्न में हमको इसका इवेल्युएशन करना, कह रहा है इवेल्युएट किसके बराबर होगा ये बताना है ना। देखिए अगर इसे हम नॉर्मली ओपन करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखिए अगर हम 300 ये तीन चार 34 है, ऊपर कितना है, ऊपर दिया गया 345 और ये क्या है 90, ऊपर क्या 117 और ये क्या है 19, अगर इन सब में हम नीचे वाली में रो में 10 से गुणा कर दें और पहली वाली रो में घटा दें तो पहली वाली रो के डिजिट भी छोटे हो जाएंगे और काम भी हो जाएगा, यानी कि हमें क्या करना है R1 टेंस टू करना है R1 माइनस 10R2, मतलब कि R2 वाले एलिमेंट्स में क्या करना है 10 से गुणा ऊपर घटा देना है, ठीक है। तो भाई ये 219 माइनस 190 कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। 117 माइनस 90 27 आ जाएगा। 345 माइनस 340 कितना आ जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 बचा, चुपचाप बाकी लिख दिया जाए, ये 19 है, ये 9 है और ये हैं 34 और ये 7 हैं, ये 3 हैं, ये 5 है, ठीक है। अभी भी हम चाहते हैं कि थोड़े से अंकों को और छोटा किया जाए, 27 इनको घटा दो, C1 में C2 को घटा दो, है ना, C1 में क्या करिए C2 को घटा दीजिए, ये 29 है 27 घटा दीजिए तो क्या आएगा, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, 29 माइनस 27 कितना बचा 2, 19 माइनस 9 कितना हो गया 10, 7 माइनस 3 कितना हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 27 है, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आगे डिजिट बड़े ही होने, 34 और ये 3 हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेते हैं, चलेगा, इन्हें ओपन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे है ये दिया गया था हमको 27, ये कितना था 117, 117 में हमको 90 घटाने थे, 90 घटाएंगे तो 27 आएगा ना, ठीक है, चलिए ओपन करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो अब इससे छोटा क्या करोगे, गुणा करो, अब गुणा ही करो, हमने घटा लिया, इनको घटा लिया, दो घटा लिया, 9 10 आ गया, और ठीक है अब इतना बहुत है, अब मल्टीप्लाई किया जाए, 2 इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 35 और 34 गुड़े हमको क्या करना है 3 करना है, तो चाहते हैं 12 की 2 आ जाएंगी, हाशी लाएँ 1 12, यानी कि 90 और 12 102 हो जाएंगे, 102, ठीक है। फिर क्या है माइनस का 27 इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 34 और 4 का गुणा करेंगे 4×16 की 6 हंसी लाएँ 1 और कितना हो जाएगा 4×3 12 1×13 136 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं 5 के साथ, 5 इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना हो जाएगा 30 माइनस 36,
यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 45 घटाना 102 में कितना आएगा 57, ये आ जाएगा माइनस का 57। फिर है माइनस का 27 × इनको घटा लिया जाए, 50 घटा दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा और 13 है 5 9 8 86 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। और माइनस के कितने आ जाएंगे, 6 × 5 = 30 हो जाएंगे। सब को सभी माइनस के आ रहे हैं, ऐड किया जाए, नहीं नहीं ये माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस का, 5 × 10 = 14, 5 × 10 यानी कि 100, 114 ये हो जाएंगे माइनस के 114, ठीक। और ये माइनस के 30 भी हैं इसके साथ, और इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 86 × हो जाएगा 27, 6 × 7 = 42 की 2 आ जाएगा, हासिल आएगा 1, ठीक है। वैसे आपने निकाल लिया होगा, जय हिंद, 3 में भी निकाल लिया है, ठीक है। 6 × 7 = 42 की 2 आए 4, और 7 × 8 = 56, 4 × 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 12 की 2, हासिल आए 1, और 8 × 16 117, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 6, 7 हो जाएंगे 13 की 3 हासिल आए 1, ये हो जाएगा 2122 है ना, 2322 इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, माइनस के ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा साहब 144 है, प्लस का हो जाएगा 2322, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, घटाएंगे तो भाई इधर 12 में 4 जाएंगे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 11 में 4 जाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ बचा 2 में 1 जाएंगे 1 आएगा, और इस तरह से ये 2178 वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो गया हमारा भी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तीसरे में भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जवाब आया है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, आपने सही समय पर टैकल किया प्रश्न को। रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही है, मोहार सर बिल्कुल सही है, सिंह साहब बिल्कुल सही है, तीसरे में कौन सा सही होगा, बी सही होगा सर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इस प्रश्न को कभी भी ना जब हमें सॉल्व करना होगा ना, हम इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, विकल्प के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे, है ना। कभी भी इसको हम हल करने नहीं बैठेंगे, हमें क्या करना होगा, विकल्प के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे, चलेगा। कोई विकल्प अगर इसको ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, मान लीजिए कि हम 1 रख रहे हैं, पहले वाले किसी एक पे सेटिस्फाइड करवा लीजिए, एक पे हो जाए तब अगले वाले पे, तो ये छोटा है हम दूसरे वाले को उठा रहे हैं, ये कितना 2x + y − z = 1, यहाँ पे हम पहला ऑप्शन रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 और माइनस का 3 = 1 आना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा, मतलब पहला विकल्प नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, x की जगह पे हमको 1 रखना है, यानी कि ये 2 हो जाएगा, y की जगह पे भी 2 रखना है तो भाई ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का रख मतलब कि माइनस का 3 रखना है तो प्लस का 3 हो जाएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन को ट्राई किया जाए, इसी में रखिए पहले, तो x इक्वल टू 1 यानी कि 2 प्लस y इक्वल टू 2 यानी कि 2 और z की जगह पे हमको रखना है 3 यानी कि प्लस का 3 सॉरी माइनस का 3 ना, वहाँ माइनस ऑलरेडी है, इक्वल टू 1 दिया गया है, तो देखिए ये 4 − 3 = 1 ही आएगा, मतलब कि संभावना है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है ना, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगले वाले को भी चेक कर लें इसी में इक्वेशन में रख के, और तो सबको नहीं चेक करना कि इस दोनों इक्वेशन में रख के चेक करो, नहीं पहले जो पास हो रहा है पहले इसको देख लो, एक रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई, ये वाले को हम चेक कर रहे हैं लास्ट वाले को, ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, देखिए ये हमको माइनस का 1 दे रहा है, नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये ऑप्शन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो एक ऑप्शन हमको मिला है जो इसको संतुष्ट कर रहा, तो वो कौन सा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे 4 में भी, गुड़िया कुमारी मैडम शानदार, 4 में सर सी बिल्कुल नहीं, 4 में सी सही होगा, माहौर सर बिल्कुल सही है, सिंह साहब बिल्कुल सही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे में जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, हाँ बिल्कुल सही है श्रुति पांडे मैडम, शानदार, आगे बढ़ेंगे साहब। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सर्कल, एक सर्कल दिया गया है हमको, इक्वेशन दी गई है x² + y² + 4x - 7y + 12 = 0 कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, हमको क्या निकालना है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस हमको निकालना है, चलिएगा निकालिएगा, यह बहुत आसान क्वेश्चन आया था, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, तो आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा 2√f² − c, है ना, अगर हमको y एक्सिस का निकालना है तो क्या हो जाएगा 2√f² − c, और अगर
एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड निकालना है हमको, तो वो क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। कंपेयर कर लिया जाए यहाँ पे, ये होता है भाई वैल्यू हो जाएगा ये हमारा किसका, टू जी एक्स, टू जी इज इक्वल टू फोर, यानी कि ये आ जाएगा जी इक्वल टू दो, और टू एफ इज इक्वल टू होता है हमारा, टू एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का सेवन, और एफ इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस सेवन बाई टू, है ना, माइनस सेवन बाई टू रख लिया जाए, टू इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर, यानी कि सात बटे दो का स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया भाई उनचास बटे चार, माइनस सी, सी की वैल्यू देखिए 12 दी गई है, 12 दी गई, रख लिया हमने, टू अंडर रूट 12 चौक 48, उनचास माइनस 48 यानी कि एक बटा चार हमने लिया वर्गमूल, तो आया दो गुड़े एक बटे दो, दोनों को काट दिया जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, वन, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, वन, है ना, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब पांचवें में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे। सिंह साहब कह रहे हैं सर बिहार स्टेट पेपर टू के बारे में कुछ बता दीजिए, करेंगे बातचीत उसकी, पहले अभी इसकी करते हैं। सीमा यादव बिल्कुल सही, पांचवें में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शानदार। रेखा कुमारी मैम, अरुण सर बिल्कुल सही, मौर सर बिल्कुल सही साहब, चलेगा पांचवें में ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छः के बारे में देखते हैं, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर मार देंगे, है ना, जहां भी जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, चलेगा, देखेंगे भाई इस प्रश्न को। छठे प्रश्न में कह रहा है कि 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्ब्डा इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा। कह रहा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको लैम्ब्डा की वैल्यू निकालनी है। तुलना कर लीजिए इसकी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम तुलना करेंगे तो हमको यहां पे मिलेगा कितना, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू कितना मिलेगा, y का y स्क्वायर का गुणांक 2 मिल जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होता है, देखिए 2h बराबर माइनस का 10 होगा तो h बराबर माइनस का 5 मिलेगा। अच्छा फिर हमें क्या करना है, g 2g इज इक्वल टू 11 यानी कि g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 बाई 2, f इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 बटा 2, इट में माइनस का 5 यानी कि माइनस का 5 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे c इक्वल टू है लैम्ब्डा, चलिएगा। हमें पता है कह रहा है कि रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्या है कि जो उसका डेल्टा है वो क्या है, जीरो है, डेल्टा क्या है, जीरो, डेल्टा मतलब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो हम अपना डेल्टा निकालने का तरीका आपको बता देते हैं, हम इस तरह से निकाला करते हैं, ये a है, ये b है, ये c यहाँ रखते हैं, और ये f है, ये g है, ये h है, और ये f है, ये g है, ये h है, सारी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, ये हमारा डेल्टा है। अभी हम बता रहे हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रखते हैं, a कितना भाई 12, b का वैल्यू कितना 2, c का वैल्यू कितना है लैम्ब्डा, f का वैल्यू कितना है, f हमारे पास है माइनस का 5 बटा 2, g का वैल्यू कितना है 11 बटे 2, और फिर से h है, h का वैल्यू है माइनस का 5, और f का वैल्यू माइनस का 5 बटे 2, और ये हो जाएगा 11 बटे 2, और ये माइनस का 5। हम क्या करते हैं, हमारा करने का तरीका ये रहता है, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, और इनका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 दुनी 24 लैम्ब्डा हो जाएगा, ये 24 लैम्ब्डा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई 5 25 25 25 और 11 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 275, है ना, 275 2 दुनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा 275 बटे 4, वही सेम इसका भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यानी कि 275 बटा 4 ये भी हो गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, थोड़ा अलग कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, रो गया ये, हाँ अब देखिएगा थोड़ा सा रुकेंगे, कई बार ये वर्क नहीं करता, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, देखिएगा हाँ, ये हमारा माइनस का 5 बटे 2 था, हमने क्या बताया कि अब हमें हमने क्या बताया, ये माइनस का 5 बटे 2 था, हमने वो मल्टीप्लाई कर लिया, ये वाला कर लिया,
ठीक है, लिख दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, अब रो वाइज मल्टीप्लाई करो। तो देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 पंचे 300 है ना, और घटाना है, घटाना है तो माइनस का 300 बटे 4 आएगा, तो हम इसको प्लस का 300 बटा 4 बना देंगे। कितना हो जाएगा भाई ये, प्लस का 300 बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या आएगा, ये माइनस का है, सॉरी यहाँ माइनस का 5/2 है, तो अब ये माइनस का हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा भाई, ये कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ था 11/2, कितना लिखा है 11/2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ग्राम 121, 121 में 2 से गुणा करेंगे 242, वो भी माइनस का आ जाएगा, माइनस का 242 बटे में 4। ठीक है, और इनके पास आओ, ये भी हमारा देखिए कितना माइनस का प्लस का हो जाएगा 25, और इसके इधर घटेगा तो माइनस का 25 लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। वो वही लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ABC और ये लिखा हुआ 2FGH और ये लिखा हुआ AF²-BG²-CH², वही लिखा हुआ, बस लिखने का तरीका है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, बाकी आप जैसे करते हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 24 लैम्डा में 25 लैम्डा जाएंगे तो एक ही लैम्डा बचेगा। अच्छा, अब इन सब का हिसाब कर लेते हैं। देखिएगा प्लस ये 275 और 275 मिलाएंगे ना, हम 275 और 275 मिलाएंगे तो 550 हो जाएंगे। 550 में इधर देखो माइनस के कितने हैं, 542, तो 550 में 542 घटाना है तो कितना बचेगा, ये प्लस का हमारे पास बचेगा 8/4=0, यानी कि अब लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस लैम्डा बराबर माइनस का 2 आएगा, यानी कि लैम्डा बराबर 2 आ जाएगा, और 6 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। डिटरमिनेंट ये नहीं है जो हमने लिखा है, ये मैंने अपना कैलकुलेशन का तरीका बताया है ना, उसमें अलग है डिटरमिनेंट जो होता है डेल्टा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, डी बिल्कुल सही जवाब आया, जिन्होंने डी जवाब दिया है, और यहाँ पे सीमा यादव मैडम जी का बिल्कुल सही है, फैजान सर का बिल्कुल सही है, सिंह साहब बिल्कुल सही है, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला प्रश्न देखा जाए, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कराए अ पर्सन ड्रॉन अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 12 कार्ड्स, है ना, एक व्यक्ति 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालता है ना, रिप्लेस इट एंड सफल द पैक, फिर क्या करता है, उस पत्ते को पुनः वहीं पर रख देता है और पत्ता अच्छी तरह से फेटा हुआ है। ही कंटिन्यूस डूइंग दिस टिल द ड्रा स्पेड, स्पेड मतलब एक हुकुम है ना, वो तब तक जारी रखता है जब तक उसे एक क्या मिलता है, स्पेड मिल जाता है, यानी कि एक हुकुम का पत्ता मिल जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल एग्जैक्टली द फर्स्ट 2 times, हमें निकालना है कि वो पहली 2 बार में क्या हो, फेल हो। तो हम पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि उसे हुकुम का पत्ता मिलता है ना, हम निकालते हैं गेटिंग स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, है ना, यानी कि हम पहले निकालेंगे क्या कि स्पेड यानी कि हुकुम का पत्ता पाने की प्रायिकता, यानी हुकुम का पत्ता आए। तो ताश के 52 पत्तों में से 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, टोटल 52 होते हैं, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, है ना। अब फिर हम निकाल लेते हैं इस बार की वो नॉट गेटिंग, क्योंकि हमसे उसने लास्ट में पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल एग्जैक्टली द फर्स्ट 2 times, प्रथम 2 बार वो फेल होता है, फेल होता मतलब नॉट गेटिंग स्पेड, उसे हुकुम नहीं मिलते पहले दोनों बार, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग स्पेड। तो भाई हमें पता है कि करने की प्रायिकता, अगर होने की प्रायिकता 1/4 है तो ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1-1/4, यानी कि ये आ जाएगा 3/4। अब वो क्या हो रहा है भाई, वो एग्जैक्टली वो फेल हो रहा है, कितनी 2 बार फेल हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी फेलिंग फर्स्ट 2 times, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किस बात की, फेलिंग फर्स्ट 2 times, प्रथम जो 2 बार है वो फेल हो रहा है, ये हमको बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 times, वो कितनी हो जाएगी भाई, दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी, पहली बार का फेल होना क्योंकि पत्ता चुपचाप रख दिया गया है उसी गड्डी में फिर से, तो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, तो पहली बार फेल होने की प्रायिकता 3/4, स्वतंत्र घटनाएं हैं दोनों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा साहब, 9/16 आ जाएगा, कितना जाएगा 9/16, यानी कि 7वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे अंकुर सर ने, शानदार सर, नरेंद्र सर शानदार, और नरेंद्र सिंह सर बिल्कुल सही है। चलेगा रामचरण सर एक बार जवाब देंगे ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है सातवें का, वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आठवां। सिंह साहब बिल्कुल सही, ये कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन द इंटरवल। कह रहा है किस इंटरवल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बिलोंग करेगी, जबकि आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। चलेगा अब ये दोनों इंटरवल हमको निकालने हैं, तो एक बात हमें याद रखनी है, हमें पता है किसी भी जो नंबर का वर्ग होता है ना, किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा, और अगर कोई वैल्यू ऐसी हो गई कि जिससे ए प्लस बी प्लस सी का मान इनका जीरो हो जाए, अंदर जीरो आ जाए, तो जीरो के बराबर भी हो सकता है ना। यानी कि ये हमेशा क्या होगा, किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ओपन करें इस फार्मूले को, इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी और सी ए, प्लस में होते हैं दोनों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आप वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू एक रखेंगे, एक को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। देखो ये तो माइनस वन हो जाएगा, और ये टू जो इंटू में है वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि ये हमें इंटरवल ऐसा मिलना चाहिए जिसमें माइनस एक बटे दो लिया जाएगा। तो माइनस एक बटे दो अगर हम चाहें तो ऑप्शन को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस एक बटे दो देखो यहां लिया जा रहा है, और ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है जहां पे माइनस एक बटे दो लिया गया हो, तो हम यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम दयालु लोग हैं, अगला वाला भी कर ही लेते हैं। चलेगा तो एक और बात देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि भाई सी ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि माइनस का एक बटे दो कहीं और है ही नहीं है क्लोज इंटरवल में, है ना। देखते हैं अगला वाला भाई, एक और है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना। ग्रेटर देन सर क्वेश्चन को p एंड c से भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहां वैल्यू रखी जाए भाई, इसका ओपन करेंगे ना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, यानी कि दो ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, दो बी स्क्वायर हो जाएंगी, दो सी स्क्वायर हो जाएंगी, माइनस की दो ए बी हो जाएंगी, माइनस के दो बी सी हो जाएंगे, माइनस के दो सी ए हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे दो लीजिए कॉमन, उधर भेज दीजिए, यानी कि फार्मूले में हमारे पास बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे आप वन रखेंगे, माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, फिर ये आ गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा अभी वही रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद इस वन को आप उधर भेजिए, माइनस का हो जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का वन, दोनों तरफ माइनस का वन, दोनों तरफ आप क्या करिए माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए, बस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन इक्वल टू वन, है ना, मतलब कि जो ए बी की जो वैल्यू आ गई इसकी वो क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है, बट क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस वन बाई टू से, मतलब ये वैल्यू हो गई माइनस का वन बाई टू से बड़ी है, कौन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बट छोटी या इक्वल टू है किसके, वन के। और अगर हम इसे इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिखेंगे क्लोज इंटरवल माइनस वन बाई टू कॉमा वन, यानी कि एट्थ में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अंकुर सर बिल्कुल सही था, माहौर सर बिल्कुल सही है, श्रुति पांडे मैडम बिल्कुल सही है, शानदार, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, सिंह साहब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, रामचरण सर शानदार, आठवें में सी ऑप्शन को आपने पकड़ा है, शानदार, आगे बढ़ेंगे साहब। कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर सेवन एंड एक्स की पावर एट, तो देखिए एक्स की पावर सेवन और ये हमारे पास जो फॉर्मेट लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है क्या, टू प्लस एक्स बाई थ्री। अगर हम इसे थोड़ा सा मेंटेन करें
तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए अगर हम इसको x प्लस ए से तुलना करें ना, तो x की जगह पे हमारे पास क्या है, x की जगह पे है 2 और a की जगह पे है x बाई 3, है ना, x बाई 3 और n की जगह पे हमारे पास वही है। और हमें पता है कि इस दौरान अगर हमें, हमने x लिया है, x यहाँ पे है ना, तो x की पावर r से ही हम करने जा रहे हैं इसको, टी आर प्लस 1 बराबर क्या होता है एन सी आर, एन सी आर और x की पावर में कितना होता है n माइनस आर और a की पावर में कितना होता है r, चूंकि यहाँ पे x है तो हम चाह रहे हैं कि वही पावर बनी रहे। तो अब बताओ जहाँ जितना मान यहाँ पे, जो r का मान यहाँ होगा वही r का मान यहाँ होगा। अगर हमें 7 लेके चलना है तो 7 प्लस 1, यानी कि कहने का मतलब वो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि x की पावर 7, x की पावर 7 मतलब हम अगर a की जगह पे x बाई 3 रखेंगे तो ये x की पावर 7 बन जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे r की जगह पे 7 रख दें, मतलब कि ये 7 प्लस 1 और कौन, 7 प्लस 1 और 8 प्लस 1, है ना भाई, जब 8 निकालेंगे तो यहाँ पे r की जगह पे 8 रख देंगे, कि गुणांक बराबर है, सिर्फ हमें गुणांक से मतलब है और किसी से नहीं मतलब है। कहने का मतलब समझे ना, ये क्या है भाई एन सी आर, एन की जगह पे एन ही है, एन सी आर की जगह पे यहाँ पे 7 है और x की जगह पे 2 है, x की जगह पे कितना है 2, तो 2 की पावर में आ जाएगा n माइनस 7 और a की जगह पे हम x को छोड़ देंगे, हमें सिर्फ गुणांक से मतलब है भाई, वो x की पावर 7 तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 बटे 3 ये आ जाएगा, 1 बटे 3 की पावर में 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर आएंगे इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा एन सी 8 और 2 की पावर n माइनस का 8 हो जाएगा और x की पावर 8 का जो 1 बटे 3 जो x के साथ गुणांक है उसे ले लीजिए, 1 बटे 3 की पावर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिएगा साहब काटते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा एन सी 7, कोई बात नहीं, देखिए 2 की पावर में n माइनस 7 ये है और n माइनस 8 ये है, मतलब कि अगर हम इनको काटेंगे तो ये वाला तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 2 की एक माइनस पावर बचेगी, है ना, यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर माइनस 1, इनको काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा 3, क्या बचेगा यहाँ पे, ये कट तो जाएगा पूरा क्योंकि 8 पावर इधर 7 पावर है उधर 8 पावर है, पूरा कट जाएगा 1 बटा 3 बचेगा बस। अच्छा इधर कितना बचा भाई n माइनस, इसको कैलकुलेट किया जाए ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 का फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं ये आ जाएगा वही n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस का 8 फैक्टोरियल इन टू, देखिए इधर वो 2 की पावर माइनस 1 है ना, 1 बटे 2, 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 3 1 बटे 6 हो जाएगा। अच्छा इस n फैक्टोरियल से इस n फैक्टोरियल को काट दिया जाए, ठीक है भाई ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा 1 बटे 7 फैक्टोरियल को चुपचाप रहने दिया जाए, 7 फैक्टोरियल और साथ में निकाल लिया जाए n माइनस 7 और देखिए n माइनस 8 फैक्टोरियल इस वाले n माइनस 1 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बराबर में आएगा और इसका 7 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 8 गुणे 7 फैक्टोरियल और ये है हमारे पास 6, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को काट देंगे, यहाँ पे आएगा n माइनस 7 बराबर 48 आ जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा 48 प्लस 7 यानी कि 55, तो n का मान कितना आ जाएगा साहब 55 आ जाएगा। 9 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नमस्ते कपिल जी, चलिएगा हाँ हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, 9 में सी ऑप्शन करेक्ट हो, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी बिल्कुल सही है अंकुर सर, बिल्कुल सही, शानदार गजब, चलेगा आगे बढ़ेंगे। हाँ एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 50 द सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स, ऑड पावर्स का सम निकालना है ना। चलेगा भाई अगर नॉर्मल निकालना होता तो हम क्या करते, x की जगह पे 1 निकाल रख देते, पूरा सम पता चल जाता, लेकिन ये ऑड और इवन जब भी बोलेगा किसके प्रसार में कह रहा है, किसके एक्सपेंशन में कह रहा है, 1 प्लस x की पावर 50, है ना, तो x प्लस 1 प्लस x की पावर n के एक्सपेंशन में अगर हम निकालते थे, है ना, तो एन सी 1 प्लस एन सी 3, ना सिर्फ ऑड की बात कर रहा है, विषम पावर्स की बात कर रहा है ना, विषम वाली, है ना, ये कितना जाएगा एन सी 5 प्लस डॉट 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 डॉट, तो इनका जो सम होता था वो कितना होता था 2 की पावर में एन माइनस 1, 2 की पावर में एन माइनस 1 और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया गया 50, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर में 49, है ना,
दसवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बात है, रामचरण सर शानदार, अंकुर सर शानदार, गुड़िया मैडम बिल्कुल शानदार, अरुण सर बिल्कुल सही, चलिएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, दसवें का जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे इसमें, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक हमारे पास पॉलीगॉन है, एक बहुभुज है जिसमें 44 डायगनल्स हैं, इनकी नंबर ऑफ साइड्स हमको बताना है, भुजाओं की संख्या बतानी है। तो हमें पता है ना कि विकर्णों की जो संख्या होती है ना, नंबर ऑफ जो डायगनल्स होती है, उसके लिए हम लोग एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं, विकर्णों की संख्या बराबर सूत्र क्या रखते हैं, 1/3 एन इंटू एन माइनस थ्री, 1/2 होता, सॉरी कितना होता है, 1/2 एन इंटू एन माइनस थ्री, ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं। विकर्णों की संख्या क्या होती है, अगर n भुजाएं हैं तो 1/2 एन इंटू एन माइनस थ्री, चलिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, विकर्ण कितने दिए गए हमको, 44 दिए गए हैं, इक्वल टू भाई इस वाले दो का इधर गुणा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस थ्री, और इसको क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 इक्वल टू एन माइनस थ्री, फैक्टर कर लो, 11 × 8 इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री। अच्छा ये n हो गया हमारा, और इससे हम लिख सकते हैं 11 − 3, कंपेयर करेंगे तो देखिए n की जगह पे हमको 11 दिख रहा है ना, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 11 आ जाएगा, n बराबर 11 हो जाएगा, तो भुजाओं की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे अरुण सर का, बिल्कुल सही, रामचरण सर बिल्कुल सही, गुड़िया मैडम बिल्कुल सही, सुधी पांडे मैडम बिल्कुल सही, अरुण सर बिल्कुल सही, अयोध्या प्रसाद जी बिल्कुल सही, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, एन का मान कितना होगा, भुजाओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 11 होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में 11 भुजाएं होंगी, है ना, चलेगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 लिखा हुआ है NC6 रेशियो एन माइनस थ्री सी थ्री इक्वल टू 33 रेशियो 4, ये लिखा गया है NC6 n फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, जो डिवाइड में है तो उसे डिवाइड में ले जाओ भाई, जो नीचे आएगा एक क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आता है ना, r फैक्टोरियल जो होता है, और फिर n माइनस 3 माइनस 3 यानी कि n माइनस 6 ये भी बन जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, n माइनस का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 33/4, है ना, तो ये n माइनस 6 से इसको काट दिया जाए, काटो भाई, n माइनस 6 से n माइनस 6 कट जाएंगे, कट गया ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं, बाकी कैलकुलेट करते हैं, देखिए ऊपर n फैक्टोरियल लिखा गया है, n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n इंटू n माइनस वन, वैसे वैल्यू रख के भी सेटिस्फाइड करवाया जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, चलेगा। हाँ भाई, इसके बाद n माइनस वन के बाद n माइनस टू रख देंगे, अब भाई देखिए n माइनस थ्री आएगा, n माइनस थ्री फैक्टोरियल, n माइनस थ्री फैक्टोरियल से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये 3 फैक्टोरियल बचेगा, डिवाइड में आएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को हमने तोड़ दिया, बराबर में कितना आ गया, 33/4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काट दीजिए, इस वाले 4 से इस वाले 4 को काट दीजिए, ये कितना आ गया, n माइनस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 33 लिखा है ना, 33 लिखा ना, इसे लिखो 11 × 3 × 6 × 5 उधर मल्टीप्लाई में हो गया 11, ठीक है 10 बनाने की कोशिश करो, शायद 10 बन जाए क्योंकि सब में एक 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 कम हो रहा है ना, हो सकता है एडजस्ट हो जाए, गुड़े 11 ऑप्शन में भी है ना, तो देखिएगा 6 × 5 इसका 2 निकालो और इसको 9 बना दो, इससे जो 6 का 2 × 3 लिखेंगे तो 2 × 3 से 9 बन जाएगा और इधर 10 बच जाएगा, ये 10 × 9 हो जाएगा, है ना, मतलब कहने का ये हमारा हो गया 11 × 11 − 1 और 11 − 2, एकदम सेम बन गया ये n माइनस वन, क्रम से एक एक कटे हुए हैं, है ना, n इंटू एन माइनस वन और n माइनस टू, यानी कि n की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो n बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि 12 में डी 12 में ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 किया है किसी ने भी नहीं, तो इनका मान तो 11 आएगा ना इसमें, हाँ 11 आएगा ना, 11 ही तो सेटिस्फाइड करेगा इसे,
बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। बढ़ेंगे साहब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ लोग पीछे हैं क्या, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, आओ बराबर में, चलेगा। 12वें में बी वाला ऑप्शन सही होगा साहब। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमको सोल्यूशन निकालना है। इधर लिखा है इन्होंने कि 2 की पावर में है 3 बाई लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू, और इधर लिखा गया है 64, 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर 6, 1 बटे 2 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2 की पावर माइनस 6, है ना। फिर कितना हो जाएगा भाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि अगर 1 बाई एम लिखा है तो बराबर होता है 1 की पावर, इसके बराबर हो जाएगा, की पावर माइनस एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ बेस इक्वल है ना, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, अगर बेस इक्वल होते हैं तो दोनों पावर इक्वल होती हैं, तो ये आ जाएगा 3 बाई में आ जाएगा लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू माइनस 6, 3 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, पलट दीजिए इसको तो ये आ जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसे हम ऊपर ले जाइए, ये आ जाएगा कितना लॉग, भाई बेस चेंज हो जाएगा, जहाँ पे नंबर वहाँ बेस चली जाएगी, जहाँ पे बेस है वहाँ पे नंबर चली जाएगी, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर ले गए तो क्या हुआ भाई, बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो गए, तो लॉग 3 बेस एक्स हो गया, इक्वल टू कितना, माइनस 2। अब इसको अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की पावर माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, हमें x चाहिए तो 1/2 को उधर भेजिए, x की बराबर माइनस 2 को उधर भेजिए, उधर जाएगा तो पावर में क्या आएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 आएगा, 1/2 को नीचे ले आइए तो प्लस का 3 की पावर में 1/2 हो जाएगा, यानी 1/√3, है ना। 1/2 का मतलब क्या हो गया, √3। 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 में सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रामचरण सर का, विनीत कुमार सर बिल्कुल सही, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, शानदार, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि फॉर द इक्वेशन, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं और ऑप्शन हमारे सामने, कह रहा वन एंड ओनली वन रियल रूट, कह रहा केवल एक ही रियल रूट होगा, रियल रूट विथ सम वन, रियल रूट विथ सम जीरो, रियल विथ प्रोडक्ट जीरो। हम निकालते हैं इसके फैक्टर्स करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 चलेगा, हाँ एक बार, हाँ हाँ ठीक है, ये देखेंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मॉडुलस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मॉडुलस प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, वही मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्लस का मॉडुलस एक्स बचना चाहिए, तो ये मॉडुलस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे ये कितने, 3 मॉडुलस एक्स कर दिया जाए, माइनस के 2 मॉडुलस एक्स कर दिया जाए, माइनस 6 बराबर 0। आ जाओ पेयर बना लेते हैं, तो ये मॉडुलस एक्स ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मॉडुलस एक्स और प्लस का 3, है ना, यहाँ पे माइनस का 2 ले लो कॉमन, तो मॉडुलस एक्स प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। भाई मॉडुलस एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और मॉडुलस एक्स माइनस का 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना। दोनों वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे तो एक मिल जाएगा हमको मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 2 और दूसरा मिल जाएगा मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू में कितना, माइनस का 3। भाई किसी भी नंबर का जो मॉड है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो ये वैल्यू होगी वो अमान्य हो जाएगी, एडमिसिबल नहीं होगी ये वैल्यू ना भाई, किसी भी नंबर का कभी भी मॉड माइनस में नहीं हो सकता। अब हमको वैल्यू मिल गई है क्या, मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू कितना, 2। तो आपको पता है कि ये 2 वैल्यू रखेगा, 2 वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड करेंगी एक्स की, एक एक्स बराबर 2 रखेंगे वो भी सेटिस्फाइड करेगा, दूसरा एक्स बराबर माइनस 2 रखेंगे वो भी सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रियल रूट होंगे और इनका जो सम होगा इन दोनों को जोड़ने पे हमको 0 मिलेगा। तो रियल विथ सम 0, है ना, तो रियल विथ सम 0 हो जाएगा, यानी कि 14 में सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे, क्या बात है। अंकुर सर, नरेंद्र सर, रामचरण सर शानदार, और रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, श्रुति मैडम शानदार, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल, अयोध्या प्रसाद सर बिल्कुल, 14 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है हमको, वो कह रहा है द नंबर log 7 बेस 2 है ना। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है log 7 बेस 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, log 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, log 2। अच्छा log 7 और log 2 दोनों के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं। तो हमें पता है कि अगर ऊपर अशांत अनावर्ती आएगा, नीचे अशांत अनावर्ती आएगा, तो इनका जब हम भाग देंगे तो हमें अशांत अनावर्ती ही प्राप्त होगा। और जब अशांत अनावर्ती प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगी, है ना, एन इरेशनल नंबर क्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। क्या होगी भाई, 15 में सी, बिल्कुल सही जवाब अंकुर सर, अरुण सर क्या बात है ना, ठीक है 15 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, एक बात याद रखेंगे, फॉर्मूला लॉगरिथम का हम लोगों ने देखा भी है, वैसे सभी को पता भी है, अगर ये m की पावर p है और बेस में है n की पावर q, तो ये वाली जो पावर है वो पहले आ जाएगी और नीचे वाली जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, है ना, और इसे हम log m बेस n लिखेंगे। ऊपर वाली पावर पहले आ गई, नीचे वाली पावर पहले आ गई, यानी कि p बटे q log m n, है ना। तो यहाँ पे आते हैं इन प्रश्नों के, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ है log 2 और नीचे देखो 4 लिखा हुआ है, हम 4 को लिख रहे हैं 2 की पावर 2, है ना, इसको 1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ने बीच में माइनस है, माइनस रहने दीजिए, और ये आ गया log 2 की पावर 1 कर दीजिए इसको, और इसको लिख दीजिए 2 की पावर 3 प्लस, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस, आगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये काम चल रहा है। तो देखिए ऊपर से 1 निकल के आएगा, ऊपर से 1 निकल के आएगा, नीचे से 2 निकल के आएगा माइनस, भाई हम log 2 बेस 2 उसका मान 1 मान के चल रहे हैं, मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ 1/2 बचा, यहाँ पे log 2 बेस 2 बचेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी भी लॉगरिथम के साथ अगर नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1/3 प्लस 1/4 माइनस डॉट 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 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है किसका, log 1 प्लस x का, वो क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है, हमें क्या चाहिए भाई, ये 1/2 माइनस का चाहिए और एक भी चाहिए, अगर हम इसकी जगह पे एक रख दें तो बन सकता है कुछ जुगाड़। तो एक काम करते हैं हम, इसमें एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, कर दिया हमने कमाल, है ना, आगे एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ठीक है, इस एक को तो चुपचाप बाहर कर लो, इसमें माइनस ले लो कॉमन, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस का 1/2 है ना, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये log 2 की वैल्यू हो गई, देखिए अगर हम इसमें क्या करें, x की जगह पर 1 रख दें तो log 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस डॉट 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 डॉट, आगे लगातार कंटिन्यू होता जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 1 माइनस आगे क्या बन गया, ये हमारा बन गया log 2, बेस ई ले ही लो कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 में जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 16 का डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल शानदार जवाब अंकुर सर, गुड़िया मैडम बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इन द रेशन एम रेशियो एन, इसके जो रूट्स हैं वो किस रेशियो में हैं, एम रेशियो एन, तो हम लेट कर रहे हैं इनका रेशियो 2:1, ठीक है, हमने मान लिया कि इसका जो रेशियो है वो क्या है, 2:1 है, यानी कि m बराबर 2 हो गया और n बराबर 1 हो गया, m और 1 n की वैल्यू मिल गई हमको, m की जगह पे 2 रखेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे। अच्छा ये रूट हैं, m बराबर 2 n बराबर 1, तो आते हैं समीकरण के बराबर लेके चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के बराबर होगा। भाई ये इक्वेशन है और इसी के रूट क्या है, 2 और 1 है, तो 2 और 1 से मिलाने वाली वो बना लेते हैं इक्वेशन, क्या हो जाएगी x माइनस 2 x माइनस 1, दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि हमने इसके जो रूट एम रेशियो 1 एन रेशियो दिए गए थे उनको हमने अपने से मान लिया है 2:1। चलिएगा कंपेयर करते हैं भाई, ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और सामने है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, एम और एन की वैल्यू आपके पास है, ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दीजिएगा,
है ना, चलेगा। ए बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3, C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और M की जगह पे कितना है 1, N की जगह पे कितना है, M की जगह पे 2 है, 1 की सॉरी N की जगह पे 1 है। रखा जाए पहले ऑप्शन को, समझा जाए पहले ऑप्शन को, ऑप्शन A को ट्राई करिए, M की जगह पे है 2, N की जगह पे है 1, और A की जगह पे भी है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बराबर M प्लस N यानी कि 3 गुणे C स्क्वायर यानी कि 4, है ना। तो कितना आ जाएगा 2 बराबर 12, ऐसा हो नहीं सकता, गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन के पास जाइए, एम एन बी स्क्वायर, तो एम एन बी स्क्वायर, एम का मान है 2, एन का मान है 1, और बी बी का मान है कितना 9, 9 का 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बराबर एम प्लस एन, एम प्लस एन यानी कि 3 इंटू ए इंटू सी, ए और सी यानी कि 1 गुणे 2 यानी कि 2, 9 दूनी कितना आएगा भैया ये 18 बराबर 6, नहीं ये भी गलत है, सी वाले ऑप्शन के साथ जाइए। कितना कह रहा है एम एन बी स्क्वायर, मतलब ये तो सही यही आएगा 18 आएगा, बराबर इधर आ जाओ m प्लस एन यानी कि माइनस m प्लस एन मतलब 3, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर a इंटू सी, 1 गुणे 2 कितना आ जाएगा 18 बराबर 18, है ना, 9 दूनी 18, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन इसे संतुष्ट कर रहा है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 17 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 17 का जी सी होगा। अयोध्या प्रसाद जी पूछ रहे हैं सर क्यों लिया ऐसा ना 2:1 क्यों लिया, आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, हमने 2:1 इसलिए लिया है क्योंकि ये छोटा डिजिट है और कैलकुलेशन करने में आराम रहेगा। हम 2 और 3 भी ले सकते थे, 3 और 5 भी ले सकते थे, बड़ा डिजिट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू मिले हमें ए बी सी की वो छोटी वैल्यू मिले, उसने अनुपात दिया था, हमने कोई भी आप अनुपात लगा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और उन्हीं अनुपात को यानी कि भाई जो अगर इनके रूट्स इस रेशियो में है तो वही रूट हो जाएंगे, है ना, प्रोपोर्शनल वैल्यू हम ले लेंगे उसकी। तो एक रूट 2 हमने मान लिया, एक वो आप अगर 2 और 3 लेना चाहते हो 2 और 3 भी ले लें, हमने छोटी वैल्यू ली है कि कैलकुलेशन करने में आराम रहे, है ना, चलेगा साहब। ठीक है अयोध्या प्रसाद जी, क्लियर हुआ साहब। ठीक है, क्यों लिया हमने एम रेशियो 1 का मान 2:1, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, है ना। 1+1 मत लीजिएगा, हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए कहीं पे, हो सकता है ऑप्शन ना अलग हो, है ना, तो फिर पता चले कि मेहनत खराब गई। ठीक है, क्लियर हुआ ना, आगे बढ़े, चलेगा आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओके चलेगा साहब, आगे बढ़ते हैं, मतलब कंजूसी चल रही है लाइक में भी, हम तो नहीं कर रहे कंजूसी, आप कर रहे हो। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 18 में कह रहा है कि यदि इफ 2 and 3 बी रूट्स ऑफ 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एम एंड एंड, है ना भाई, ये तो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है अपना, नाइन्थ की क्लास का, जब हमें पता है कि अगर 2 रूट है तो इसे सेटिस्फाइड करेगा, 3 भी अगर इसका 1 रूट है तो इसे सेटिस्फाइड करेगा, तो भाई पुट कर दीजिए आप, पहले पुट करिए क्या x की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 × 16 प्लस कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा माइनस कितना 26 प्लस n इक्वल टू 0 यानी कि 4m प्लस n इक्वल टू आएगा, देखो माइनस का 10 बचेगा उधर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर करेंगे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 3 रख दिया जाए, रखो यहाँ पे 3 तो कितना हो जाएगा 27 × 54 54, है ना, और प्लस के 9m हो जाएंगे, 9m हो गए, और माइनस के हो जाएंगे 13 × 39 प्लस n इक्वल टू 0, 9m रहने दीजिए, 9m को प्लस का n, ठीक है, इनको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 14 में 9 गए 5, है ना, 15 बचेगा, तो 15 को क्या करिए आप उधर भेजेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, तो वही इलिमिनेशन मेथड से कर दिया जाए, विलोपन विधि से कर दिया जाए, 9m प्लस n इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है, ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 5m इज इक्वल टू कितना भाई 25, m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5, अच्छा m बराबर माइनस का 5 आ गया, देखिए माइनस का 5 कहाँ कहाँ है, यहाँ है,
तो माइनस का 5 यहाँ रख दिया जाए, पाँचों का 20 हो जाएगा, उधर जुड़ जाए, माइनस का 20 होगा और उधर जुड़ेगा तो इनका मान 30 आ जाएगा। तो माइनस का 5 और 30, 18 में बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब आया 18 में बी। अंकुर सर शानदार, विनीत सर शानदार, अंकुर सर शानदार, पंकज सिंह सर शानदार, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे साहब, नरेंद्र सर बिल्कुल सही है ना। कौन सा बी वाला ऑप्शन सही होगा, सी नहीं बी। 18 के बाद आते हैं 19 के पास। कह रहे द सम ऑफ द सीरीज अप टू 9 टर्म्स, 9 पदों तक हमें इसका योग बताना है। तो पहले हम डी निकालते हैं, इसका सर्वांतर निकालो, एपी की संभावना है भाई, जीपी तो लगी नहीं रही कहीं से, तो डी निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, 1/3 माइनस 1/2 माइनस का 1/6, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो 1/6 माइनस 1/3 वो भी माइनस का 1/6 हो जाएगा। पहला पद इसका कितना है 1/2, मतलब एपी है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, ये समांतर श्रेणी है। और एन का मान कितना है, 9 टर्म दिए गए हैं, हमको निकालना है इसके 9 पदों का योगफल, एन बाई टू 9/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 9 माइनस 1 8 गुणे कितना माइनस का 1/6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साहब, 9/2, 2 से 2 काटेंगे 1 बचेगा, माइनस देखिए 8/6 काटेंगे 2 से तो आएगा 4/3, 9/2 गुणे माइनस 1/3 काट दीजिए, 3 × 3 = 9 माइनस 3/2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। विनीत कुमार सर ने जवाब दिया इसको, बिल्कुल सही जवाब है साहब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। चलिएगा इस प्रश्न को करिएगा, अब इन्होंने दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, चलेगा करिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर इसको करिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन, अच्छा ए बी सी जीपी में है, बहुत मजेदार सवाल है ये, है ना, बहुत आसान। देखिए यहाँ पे ये 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब ए बी सी अगर जीपी में है तो हम ए बी सी को ऐसी कोई नंबर बनाएं जिसका जगह पे हमको बेस भी 10 मिल जाए, तो हम क्या लेट कर लें, हम अगर कह रहा है वो ए बी सी किस में है, जीपी में है, ए बी सी किस में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो क्या ए की जगह पे हम 10^1 ले लें, बी की जगह पे हम 10^2 ले लें और सी की जगह पे हम 10^3 ले लें। ले लिया हमने, पुट कर दिया जाए यहाँ पे, देखते हैं इनके बारे में हमसे पूछा है। log 10 base A log 10 base B और log 10 base C, ठीक है। वैल्यू रख दिया जाए भाई, यहाँ पे रखेंगे 10, तो 10 रखेंगे तो हमें पता है ये log 10 बेस 10^1 और ये हो जाएगा log 10 बेस 10^2 log 10 बेस 10^3। यहाँ से कितना आएगा भाई, ये तो 1 हो जाएगी और ये पावर जो है ऊपर वाले की, मान लो पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो पहले वाले की भी पावर बाहर आती है और ये वाली पावर भी बाहर आती है, तो आपको पता है कि 1, 1/2, 1/3 किस में होंगे भाई, 1, 2, 3 एपी में होते हैं तो 1, 1/2, 1/3 किस में होंगे भैया, ये एचपी में होंगे, है ना, किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, यानी कि ये हरात्मक श्रेणी के टर्म्स हैं, ये क्या हैं, हरात्मक श्रेणी के टर्म्स दिए गए हैं। तो 20 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अंकुर सर, पंकज सर बिल्कुल सही, गुड़िया मैडम बिल्कुल सही, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साहब, 20 का जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलेगा आगे बढ़ेंगे, हाँ चलेगा, ये कह रहा है कि इफ एच इज हार्मोनिक मीन विट बीन पी एंड क्यू, दो नंबर है हमारे पास, एक क्या है पी है और एक क्या है क्यू, और उसके बीच में हार्मोनिक मीन दिया गया है कि एच, ठीक है कोई बात नहीं, लेट करो यहां भी, अभी आपने पढ़ा था ना, एक तो एक थी, एक 1/2 थी, एक 1/3 थी, तो ये होता है जो बीच में होता है वो हार्मोनिक मीन है किसका, इन पी और क्यू का, पी का मान 1, क्यू का मान 1/3,
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। मेरी बात समझ में आ रही ना? हमने एक, एक बटे दो और एक बटे तीन, हमको पता है कि ये एचपी में होते हैं, तो जो बीच वाली जो नंबर वो हार्मोनिक मीन होती है ना, किनका, इन दोनों नंबर्स का, पी और क्यू का, यानी कि एक और एक बटे तीन का हार्मोनिक मीन क्या होता है, एक बटे दो होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है भाई, एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू। एच की जगह पे कितना रखना है, एक बटे दो, तो दो तो नीचे आ जाएगा, एक बटे दो। पी की जगह पे कितना रखना है, एक, प्लस एच का एक बटे दो यहाँ आ गया। और क्यू की जगह पे जब आप एक बटे तीन रखेंगे तो ये तीन ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक बटे तीन वहाँ पे बटे में है ऑलरेडी, तो तीन बटे एक हो जाएगा। ये कितना जाएगा, एक बटे दो प्लस तीन बटे दो, चार बटे दो, काट देंगे तो दो बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया हुआ है यहाँ पे गुड़िया मैडम का, विनीत सर, अंकुर सर और नरेंद्र सर, श्रुति पांडे मैडम, पंकज सिंह पटेल सर, बिल्कुल सही ना, 21 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साहब, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रामचरण सर चलेगा। ये वही है, मतलब पुरानी सी बात है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, कह रहा है इफ ओमेगा बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, देखिएगा ये है 1 प्लस ओमेगा और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हमें एक बात पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जीरो। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम क्या, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये ब्रैकेट में बनने वाला है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले से है इनटू, देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस का ओमेगा रखेंगे तो माइनस का ओमेगा माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू माइनस का 2 ओमेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा और उसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना आएगा साहब, 4 आ जाएगा। तो 22 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 22 में डी करेक्ट होगा। अंकुर सर बिल्कुल कहाँ गलती कर रहे हैं, जीरो नहीं आएगा ना, ठीक है डी वाला ऑप्शन सही होगा। श्रुति पांडे मैडम बिल्कुल सही, संजय सेठी बिल्कुल सही सर, अयोध्या प्रसाद सर 22 में ए नहीं सर, डी सही होगा, है ना, प्रश्नों को हल करना है साथ में हमारे, है ना, तुक्का नहीं मारना है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और ओमेगा इक्वल टू दिया गया है हमको 1 प्लस आई जेड बटे जेड माइनस आई और मॉडुलस ओमेगा इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 दिया गया, ओमेगा की वैल्यू रख ली जाए, कितनी रखी गई है 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आई इक्वल टू 1, ठीक है भाई मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है कि मॉडुलस जेड 1 बट्टा जो जेड 2 होता है वो बराबर होता है किसके, मॉडुलस जेड 1 बटे मॉडुलस जेड 2 के, कर दीजिए इसे भी वही, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस, जहाँ पे जेड है वहाँ रखना है x प्लस आई वाई, तो ये माइनस का आई एक्स हो जाएगा और आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा, माइनस रहेगा उसे प्लस का वाई बना देगा, ये मॉडुलस का 1 हो जाएगा इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा ये x प्लस आई वाई और माइनस का आई, ठीक है दोनों तरफ अंडर रूट ना लगा के हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, मॉड निकाल रहे हैं हम इसका, तो अंडर रूट नहीं लगा के हम डायरेक्ट वर्ग कर रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा वाई माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया जाए, है ना, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2y इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट दीजिए, 1 से 1 को काट दीजिए, ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 दैट इज x एक्स, है ना, ये क्या है x एक्सिस है, और x एक्सिस को क्या बोला जाता है, हैं सम्मिश्र तल पे अर्गेंड प्लेन पे क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम रियल एक्सिस, क्या बोलते हैं रियल एक्सिस, तो मतलब जो जेड है हमारी वो कहाँ लाई कर रही है, रियल एक्सिस, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 में जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही हो जाएगा, है ना, ठीक है जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, गुड़िया मैडम कहाँ गलती कर रहे हैं, सी यूनिट सर्कल नहीं होगा ना, क्या होगा वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए क्या होगा ये जेड लाई करेगा कहाँ पे, रियल एक्सिस पे, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24
24 कह रहा है x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर में, ठीक है 2 को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर में हो जाएगा 2/3 प्लस 2 की पावर में 1/3 टेकिंग क्यूब बोथ साइड दोनों पक्षों का घन करने पर किया जाए घन, इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स और एक्स माइनस 2 भाई इधर घन करिए पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर में आएगा 2/3 की पावर 3, 3 से 3 कटेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 2 की पावर में 1/3 की पावर 3, 3 से 3 काट देंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 3ab, एक मिनट ये प्लस का आगे लिखते हैं, यहाँ से आगे कितना हो गया भाई, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास 3a, देखिए 2 की पावर में आएगा 3ab, 2 × 2^3 × 2^1/3 दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे 3/3, मतलब ये हो जाएगा सिर्फ 2 बचेगा इंटू ब्रैकेट में हमारे पास यही बचेगा 2^2/3 प्लस 2^1/3 ये बचेगा, हम इसकी जगह पे ये ना रख के हम इसको रख देते हैं, दोनों बराबर है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी वाला टर्म्स जो आएगा उसकी जगह पे हम x माइनस 2 रख रहे हैं, x माइनस 2 ठीक है। चलिए अब इधर कितना आ गया, ये x क्यूब होगा साहब, है ना x क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे प्लस 3 × 6 एक्स हो जाएगा ये, और माइनस के हो जाएंगे साहब 12 ठीक है, ये आ जाएंगे एक्स क्यूब माइनस के 6 एक्स स्क्वायर भाई 6 घटा दीजिए 12 एक्स में तो प्लस के 6 एक्स हो जाएंगे, 8 को उधर ले जाइए तो ये कितना हो गया माइनस का 6 बचा है यहाँ पे भाई, ये 6 और माइनस के 12 कट गए प्लस का 8 तो कितना आ जाएगा साहब 2 आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इतने जल्दी कैसे सब लोग बता देते हैं, ज्यादातर लोगों को ना प्रीवियस ईयर है चूंकि आंसर याद है, है ना सर, ज्यादातर लोगों को ना आंसर याद है इसलिए ऐसा हो रहा है, बहुत तेजी से बता रहे हैं लोग और लोग अच्छा कर भी रहे लगातार, है ना। चलेगा क्या क्लास प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ हाँ ठीक है चलेगा साहब, आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं साहब, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 चलेगा, हाँ यहां पे लिखा हुआ है 3+√6, कोई बात नहीं उसे रहने दिया जाए, रूट सिक्स एक काम करते हैं, 3 को आप लिख दीजिए √3 × √3 और √6 को लिखिए √2 × √3 डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ 5√3 रहने दीजिए, ये लिखा हुआ 2√12, 12 को लिखिए 4×3 यानी कि 1 2 निकल आएगा बाहर यानी कि −k 4√3, 16×32, 16 से 4 निकल के आएगा −k 4√2, 25×50, 5√2 ठीक है। चलिए ऊपर हम देख रहे हैं कि √3 कॉमन है उसको ले लिया जाए, कॉमन ले लिया हमने √3 + √2 डिवाइडेड बाई 5√3 में 4√3 घट गए तो कितना बचा भाई √3, 4√2 ये हैं 5√2 हैं तो कितना बचा हमारे पास 1+√2 बच जाएगा, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे कितना बचेगा √3 बचेगा, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। के सेशन को क्वेश्चन नंबर 26 पहला क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है कि इफ ए एंड बी इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड दियर मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, मैग्नीट्यूड तो सभी जान रहे हैं मॉड बोलते हैं ना, मापांक बोलते हैं, कितना है भाई मापांक, वेक्टर ए का मापांक जो दिया गया है 2 दिया गया है, वेक्टर बी का जो मापांक दिया गया है √3 दिया गया है और थीटा इक्वल टू है 120 डिग्री, तो हमको निकालना है ए डॉट बी, चलिएगा अटेम्प्ट करेंगे, ये हो जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है हमारा ए बी कॉस थीटा ना, ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ये मॉडुलस होते हैं हमारे, अच्छा मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी दी, मॉडुलस वेक्टर ए का मॉड हमको दिया गया है 2 और इसका दिया गया है √3
और कॉस 120, कॉस 120 का मान रखेंगे तो माइनस का 1/2 होता है ना, 2 से 2 काट देंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमको वो मिलेगी माइनस के अंडर रूट 3। माइनस के अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाइड हो रहा है ना, माइनस ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बिल्कुल सही रेखा कुमारी मैडम, 26 में बी सही होगा। अखिलेश जायसवाल जी दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं साहब, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमको दिया गया है कि वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आर क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए एंड आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दिया गया है और हमको ए और बी दिए गए हैं, हमें ये निकालना है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं पहले ये वाला रिलेशन, यहाँ पे इन्होंने लिखा है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एक काम करते हैं यहाँ पे माइनस लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये भाई हो जाएगा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जगह पे आप रख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी, रख दिया जाए यहाँ पे, इधर दिया गया है वेक्टर आर क्रॉस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, माइनस इसकी जगह पे आप रख सकते हो। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना, एक बार बताएंगे हमें, आवाज़ क्लियर आ रही है ना, चलेगा, इसे लिख सकते हैं हम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी, इसकी जगह पे रखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी के बराबर है, तो इसको माइनस को इधर उठा लीजिए, ये लिखा है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर हम देख रहे हैं कि आर क्रॉस ए लिखा है आर क्रॉस बी लिखा, मतलब कि अगर हम आर को कॉमन ले लें तो इसे हम लिख सकते हैं आर क्रॉस ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0। आर को यहीं रहने दिया जाए, क्रॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब जोड़ लिया जाए, आई और तीन, दो आई, तीन आई हो जाएंगे, तीन आई हो जाएंगे, प्लस जे अकेला है, अकेला रहेगा, और के कितना है, माइनस का के इक्वल टू 0। यानी कि जो पॉइंट मिलने वाला है हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट होगा, है ना, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, 3, 1, -1, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, चलिएगा, हाँ ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना, चलेगा। तो यहाँ पे 27 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, समाकलन करना है, 27 का सी सही था, बिल्कुल सही, रेखा कुमारी मैडम जी का जवाब आया है, शानदार, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 28 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे उससे पहले जो अंदर लिखा हुआ उस फंक्शन को तोड़ लिया जाए, ये लिखा हुआ 1/2, 1 - cos 2x को हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 2 sin² x हो जाएगा, 1 से 1 काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा और ये बचने वाला है sin² x। मतलब अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो i इज इक्वल टू दिया गया है हमको -π/2 से π/2 और ये क्या है sin² x से रूट लगा हुआ है तो ये आ जाएगा मॉडुलस का कितना sin x dx हो जाएगा, भाई रूट हटेगा तो sin² x है तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए से ए दिया गया है फंक्शन हमें, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 कर लेते हैं बाहर और इसको क्या 0 से π/2 कर देते हैं, 0 से π/2 कर देते हैं और ये फंक्शन हमारा हो जाएगा क्या sin x हो जाएगा और dx हो जाएगा, 0 से π/2 के बीच में क्या होता है sin x हमारा जो होता है पॉजिटिव होता है तो 2 हो जाएगा, sin x का क्या होता है माइनस का cos x होता है, माइनस को हम ले लेंगे बाहर और ये आ जाएगा 0 से π/2, है ना, फिर कितना आ जाएगा, अब रखेंगे वैल्यू माइनस के 2 को चुपचाप रहने दिया जाए, ये हो जाएगा कितना cos π/2 माइनस का हो जाएगा ये साहब cos 0 और ये आ जाएगा माइनस का 2 × 0 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। तो 28 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम का, बहुत ही शानदार तरीके से आप कर रहे हैं प्रश्नों को, ठीक है बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अंकुर सर बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, द टेंजेंट ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू, एक कर्व दिया गया है हमको वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज पैरेलल टू द लाइन इस। चलिए हम बनाते हैं पहले कर्व, मान लेते हैं कि ये वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर वाली फॉर्मेट है, जैसे भी हो एक फंडामेंटल एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं हम, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं कर्व हो जाएगा, ये कर्व है और ये कर्व हमारा क्या है y इक्वल टू दिया गया हमको 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये कर्व है। इज कह रहा था टेंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन हमको फाइंड करनी, इक्वेशन पॉइंट फाइंड करना, जहाँ पे काट रही कहीं भी काट रही हो, ये हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली यहीं काट रही है ना, कोई ज़रूरी नहीं कोई यहीं काट रही है, कहीं भी इस पॉइंट के, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, जब जिसके बारे में हमको ये बताया गया है कि जो हमारी ये टेंजेंट है ना, ये जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल लाइन बना दीजिए इसकी, इसकी एक पैरेलल लाइन है अपनी ये, इस लाइन का इक्वेशन हमको दिया गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें पता है कि वो इशारा किया गया है कि भाई जो आपकी टेंजेंट है, जिसकी आप टेंजेंट की बात कर रहे हैं, वो इसके पैरेलल, इसका मतलब जो इसकी प्रवणता है, जो इसका ग्रेडियंट है, जो इसका स्लोप है, वही आपके टेंजेंट का स्लोप होगा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप मिल गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई है ना, टेंजेंट की जो m हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी प्रवणता कितनी है 3, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करें तो इसकी प्रवणता हो गई 3, और यहाँ से निकाला जाए, यहाँ से निकाला जाए प्रवणता, इस कर्व से निकाला जाए इसकी प्रवणता, तो जो कर्व की प्रवणता होगी वो इसकी प्रवणता होगी, देखेंगे इस कर्व की प्रवणता क्या होगी, प्रवणता का मतलब क्या होता है डिवाइड x, m का मतलब क्या होता है डिवाइड x इज इक्वल टू 3, तो डिवाइड x हम अब कर्व से निकाल रहे हैं भाई, इसी रेखा की प्रवणता निकाली जा रही है इस टेंजेंट की, वो कर्व से मिल रही है और एक यहाँ से ये लाइन पैरेलल है चुकी, तो इसके बराबर होगी इसकी प्रवणता, तो उसकी प्रवणता हमने 3 निकाल ली है और एक प्रवणता वहाँ से निकल के आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 1 आ गया तो यहीं उठा के रख दीजिए, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा, x कॉमा y होता है पॉइंट, x कितना दिया गया है हमको 1 दिया गया है, y कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 1, 2 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम का, अंकुर कुमार सर 29 में डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, ठीक है, यहाँ पे जर्नी ऑफ हाउस वाइफ 20 डी, सुधीर श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं, सर को नमस्कार, कैसे हैं सर, 29 का डी सही है बिल्कुल सही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कह रहा है कि इफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, हमको एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है कर्व की, और एक्स इज इक्वल टू की पावर टी कॉस टी प्लस वाई इज इक्वल टू की पावर टी साइन टी, देन द टेंजेंट ऑफ द कर्व, तो हमसे कह रहा है कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ द कर्व मतलब कि स्पर्श रेखा से इस कर्व से इस कर्व की स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना है कहाँ से, एक्स एक्सिस के साथ, जबकि टी इज इक्वल टू आपको पाई बाई 4 दिया है, तो हम एक काम करते हैं इसका एक छोटा सा रफली फिगर बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारा एक्सेस हो गए, ठीक है, ये अच्छे हैं, और इसका एक कर्व है अपना, जो एक कर्व है मान लेते हैं कि वो कर्व कुछ इस तरह से बना होगा, तो इस कर्व का और यहाँ से एक हमने क्या किया स्पर्श रेखा खींच दिया इस कर्व की, तो ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा से ये थीटा कितना बन रहा है ये हमको निकालना है, है ना, ये थीटा निकालना है इस कर्व के लिए, चलिएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमको दिया गया है टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, चलिए एक्स इज इक्वल टू हमको दिया है इन्होंने ई की पावर में टी कॉस टी, एक काम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें प्रवणता चाहिए, निकालना क्या है हमको, हमको निकालना है यहाँ पे टैन थीटा, और टैन थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है एम के बराबर होता है, एम मतलब डिवाइड एक्स, है ना, मानी कि इस कर्व की मदद से हमको डिवाइड एक्स निकालना है, फिर टैन थीटा के इक्वल करेंगे तो ये थीटा हमको मिल जाएगा, है ना, ये थीटा हमको मिल जाएगा, तो डिवाइड इसको डी एक्स अपान डी टी डी एक्स डी टी हो जाएगा हमारा क्या भाई, अब यहाँ पे आप क्या करिए कॉस टी को बाहर रखिए, ई की पावर टी क्या करिए तो ई की पावर टी ए रहेगा और ये हो जाएगा कॉस टी, और माइनस में आ जाएगा अगली बार ई की पावर टी को बाहर रखेंगे कॉस टी क्या करेंगे तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर टी साइन टी, है ना, और टी की जगह पे आप रख लीजिए कितना, टी की जगह पे आप 45 रख दीजिए,
45 रखेंगे तो e की पावर ये हो जाएगा पाई बाई 4, और आपको पता है कि ये कॉस 45 माइनस साइन 45, और ये आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई 0। अब देखिए dx dt की वैल्यू 0 आ गई, तो अब हमें ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं है, है ना। अब मतलब हमें कुछ निष्कर्ष निकालना है। अगर हम dy dx निकाल लेंगे तो वो क्या होता है, तो ये आ जाएगा हमारा dy dt, अब बटे में आता है क्या, dx बटे dt, है ना। तो dy dt अपना जो भी आएगा हम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन dx dt की वैल्यू हमको 0 मिल गई है। 0 से किसी भी संख्या को हम भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, और हमें dy dx कितना मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया। ये कितना मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया। तो ये कितना हो गया, tan थीटा बराबर इनफाइनाइट हो गया। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan में किसका मान इनफाइनाइट होता है, तो tan 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 90, है ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, 90 अंश मिल जाएगा, यानी कि जो ये कोण है थीटा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा साहब, यहाँ पे वो 90 अंश होगा, पाई बाई 2 होगा, है ना। चलिएगा, क्लियर हुआ ना। तो 30 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 में सर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम जी ने जवाब दिया है। 30 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अरुण सर भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया सर। असुधीर सर ए नहीं होगा यहाँ पे ना, डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्लियर भी हो चुका होगा, है ना। क्योंकि हमें ये भाई चूंकि टी का फंक्शन दिया है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें डीवाई डी एक्स डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, हमें क्या करना होगा, डीवाई डी टी निकालना होगा, बटे डी एक्स डी टी निकालना होगा। ये निकालने के बाद भी हम क्या करेंगे, तब हम इसके बाद डीवाई डी एक्स निकालेंगे, और डीवाई डी एक्स टेन थीटा बराबर एम, ये डीवाई डी एक्स बराबर होगा। डीवाई डी एक्स हमने यहाँ पे रख दिया, और थीटा का मान जो मिला वो पाई बाई 2 मिल गया, यानी कि 30 में जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, डी सही होगा। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे ब्रजेश शर्मा सर का, शानदार। रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, अरुण सर बिल्कुल सही, शर्मा शिल्पा मैडम बिल्कुल सही है। चलेगा साहब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हलवा सा सवाल है ये, है ना। लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0। देखिए लिखा हुआ है साइन 2x अपान x। हमको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन थीटा बटे थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हम इसे साइन थीटा, थीटा की जगह पे देखिए 2 बना हुआ, तो एक काम करते हैं यहाँ भी 2 बना लेते हैं। अगर कुछ बनाए हैं तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। अब देखिए इतने की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी, और आगे क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2 आ जाएगा, और 31 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे 31 में, और सर डी सही होगा। रामचरण सर कहाँ जा रहे हैं, है ना। छोटा सवाल है लेकिन शानदार सवाल है। 31 में डी बिल्कुल सही जवाब अंकुर सर का, ब्रजेश शर्मा सर बिल्कुल सही, अरुण कुमार सर बिल्कुल सही, सुधीर सर लाजवाब बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं शिल्पा मैडम शानदार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे साहब 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू दिया गया है आपको t प्लस 1 बाई टी, और y इज इक्वल टू दिया गया है t माइनस 1 बाई टी, देन द फाइंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू। तो देखिए हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू फाइंड करेंगे, लेकिन हमको पता है कि इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, डी डी एक्स ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ डिवाई डी एक्स, है ना। ये होता है हमारा डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू, मतलब कि इन दोनों फंक्शन से जो टी में दिए गए हैं इनसे हमें पहले डिवाई डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी क्या, इसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में कर दें, तो डी एक्स बटा डी टी मिलेगा हमको, तो भाई टी का तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस का आ जाएगा, 1/t का होता है माइनस 1/t², ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसे हम मेंटेन करके अगर लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में उसे करते हैं दूसरे वाले को, तो ये डी वाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1/t² हो जाएगा। इट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1/t², ये मिल गया हमको। अब हमको निकालना क्या है, डी वाई डी एक्स, तो निकाल लीजिए भाई, नीचे वाले में ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए, तो टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t² - 1। एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। वही हमारा आंसर और हर से होगा इस बार, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सही से किया जाएगा तो बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा। हर को पहले रखते हैं, तो हर को हमने पहले कर दिया चुपचाप,
फिर क्या करते हैं, अंश का अवकलन होता है तो अंश हमारा आ जाएगा 2t, फिर माइनस लगाते हैं माइनस, फिर अंश को बाहर रखेंगे, अंश को बाहर हमने रख दिया, फिर क्या है हर का होगा तो हर का हो जाएगा 2t, तो हम क्या करेंगे दोनों में 2t पूरा ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 2t हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन माइनस का टी स्क्वायर और माइनस का वन हो जाएगा, ये माइनस का वन हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड में आएगा कितना इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा अब एक बात आपको पता है, जो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, टी फंक्शन ऑफ फंक्शन बनेगा और उसका टी से फिर से होगा तो डी टी डी एक्स भी साथ में आ जाएगा, इसे नहीं भूलना है, तो ये आ जाएगा डी टी डी एक्स, ठीक है, डी टी डी एक्स साथ में रहेगा। ऊपर देखेंगे माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस का टू हो जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना 4t डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा हमारा t माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी टी डी एक्स, है ना, तो डी एक्स डी टी हमको दिया गया, डी एक्स डी टी ये दिया गया, तो भाई इसको पलट लेते हैं, ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपान में टी स्क्वायर माइनस वन, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का फोर टी क्यूब और नीचे टी स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब बचेगा, उसे ऊपर ले जाइए टी स्क्वायर माइनस वन की पावर में माइनस का थ्री हो जाएगा, और ऐसा जीता जागता एक ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, सी वाला ऑप्शन। एक बार आप सभी के जवाब लेता हूँ, मेरी तरफ से सी का सी आया इसका आंसर। वेरी गुड इवनिंग सर, जीवन सर जुड़े हुए हैं, चलेगा, बहुत शानदार जवाब आए हैं, 32 में सी बिल्कुल, रेखा कुमारी मैडम बहुत शानदार अंदाज में आप प्रश्नों को हल कर रही हैं, अंकुर सर बिल्कुल सही सर, अब ब्रजेश कुमार सर, ब्रजेश शर्मा सर बिल्कुल सही, सर जीवन सर 32 में ए नहीं सही होगा, 32 में सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ना जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका फंक्शन एक्स में नहीं दिया गया, फंक्शन टी में दिया गया है, और फंक्शन आप फंक्शन की कंडीशन में उसका एक बार हम फिर से करते हैं ना, तो ये टी वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी टी डी एक्स हो जाएगा, जब टी का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी डी एक्स हो जाएगा, है ना, तो वो आ गया हमारे पास डी टी डी एक्स आ गया, चलिएगा साहब, तो इनटू में आ जाएगा, उसे बाहर निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है 32 में वो सही आ जाएगा, शानदार सर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 यानी कि 33, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना, लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, और आपको पता है कि जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x क्या है, हमें 1 की पावर x का कर रहे हैं, 1 की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 की पावर x log a होता है, ठीक है, तो वही सेम है यहाँ पे, हम क्या करेंगे दोनों साइड हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर x log 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर y, और ये भी log 2 हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y का क्या हो जाएगा एक बार फिर से हो जाएगा, और ये हमको y डैश यानी कि डी वाई डी एक्स मिल जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर में x प्लस वाई को तो चुपचाप रख दीजिए, और इसका log 2 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास वो x प्लस वाई का फिर से होगा तो 1 प्लस y डैश हो जाएगा, 1 प्लस y डैश हो जाएगा, दोनों साइड से log 2 कॉमन लेके हटा दिया जाए इसे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y y डैश, दोनों तरफ से log 2 कॉमन लेके हटाया जा सकता है, हटा दिया हमने उसे, ठीक है, 2 की पावर x प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर में x प्लस वाई, ठीक है, प्लस ये y डैश होगा, y डैश मतलब डी वाई डी एक्स है ना, इसे मैं यही लिखना पसंद करता हूँ, ठीक है, तो y डैश वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए जाएं, तो हमने y डैश को किया एक तरफ और ये है हमारा 2 की पावर y और माइनस में आ जाएगा 2 की पावर में x प्लस वाई इक्वल टू, आते हैं यहाँ पे, अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 की पावर में x प्लस वाई और माइनस का आ जाएगा 2 की पावर x, तो ये y डैश इक्वल टू आ गया, डिवाइड में ले आइए, ऊपर से 2 की पावर x कॉमन ले लीजिए तो ये 2 की पावर y माइनस 1 बचेगा, और नीचे देखिए इस वाले में ये नीचे आएगा, इसमें 2 की पावर y कॉमन है ले लिया जाए तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर में x माइनस वाई और ये 2 की पावर में y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 की पावर x, ऐसा कोई ऑप्शन जो दिख रहा है वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 में जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, चलिएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे सुधीर सर का, अंकुर सर का और सर जीवन सर का, ब्रजेश शर्मा सर का, शानदार, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, ठीक है, क्लियर है ना, ये कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 34।
क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, और कह रहा है जो पी एक्स है ना वो एक पॉलिनोमियल है, किसका? डिग्री थ्री का, है ना। चलिए डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल है, देन द हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टू डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू किसके बराबर होगा। ये 111 सा दिख रहा है तो ये ट्रिपल डैश है ना, ये लिखा हुआ है ट्रिपल डैश है ना, मतलब कि फर्स्ट थर्ड डेरिवेटिव भैया सब जगह पे चलेगा। भाई हम यहाँ पे लेट करते हैं, चूँकि हमको पी एक्स के बारे में बताया गया कि पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है डिग्री थ्री का, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया एक्स क्यूब, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू कितना लेट कर लिया, एक्स क्यूब लेट कर लिया, क्योंकि तीन डिग्री का कह रहा है, हमने तीन डिग्री का उसे लेट कर लिया। तो हमें क्या ज़रूरत है, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो इसका आ जाएगा वो 3x स्क्वायर आएगा। सेकंड डेरिवेटिव की जो ज़रूरत आएगी वो कितना हो जाएगा हमारा, 6x हो जाएगा। और अगर हम थर्ड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वो आ जाएगा कितना, 6। ये हमने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको ऑप्शंस को सेटिस्फाइड करने में। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अच्छा ये जो पी एक्स है देखो वो किसके बराबर है, पी एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर रख सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स की पावर 3। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर में 3/2, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा बटे में पावर चली जाएगी, है ना, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया है हमको, एक्स की पावर 3/2। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमको डी स्क्वायर वाई चाहिए, तो पहले हमको वाई डैश मिले, मतलब कि डी वाई डी एक्स निकाला जाए, इसी से डी वाई डी एक्स निकालो इसी फंक्शन से। तो ये मिल गया हमको डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 3/2 को आप बाहर करो, एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। इसी को हमने डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/2 ये पावर बाहर आ जाती है, एन इंटू एन माइनस 1, और एक्स की पावर में क्या आएगा, 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, और एक्स की पावर में कितना, माइनस का 1/2। अब हम चलेंगे ऑप्शंस के साथ जो हमसे पूछा गया है, वैल्यू किसके निकालनी है, वैल्यू हमको निकालनी है किसकी, 2dx ऑफ वाई क्यूब। वाई क्यूब करिए, ये y का मान है, x में कन्वर्ट करिए, तो y क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की पावर में 9/3, तो कितना x की पावर में कितना आ जाएगा, 9/3। ये y क्यूब का मान है, y क्यूब का मान कितना हो गया, 9/3, x की पावर में 9/3 इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू का मान आपके सामने रखा हुआ है कितना, 3/4, और x की पावर में माइनस का 1/2, ठीक है, 2 इंटू। अब भाई हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक के करेंगे, डी डी एक्स ऑफ, देखिए x की पावर में 9/2 माइनस 1/2 दोनों जुड़ेंगी तो 9/2 माइनस 1/2 8/2, मतलब x की पावर 4। ये कितना बचा, 3/4 को तो चुपचाप रहने दीजिए, और ये आया x की पावर 4, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे इसे, 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, डी डी एक्स है ना तो डिफ्रेंशिएशन करिए x का रिस्पेक्ट में, 3/4 इंटू कितना आ जाएगा भाई, हमें पता है कि x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x की पावर 3 हो जाएगा, 4 से 4 काट दीजिए, और ये लिखिए 6x क्यूब। तो 6 कहाँ पे आया है, 6 इसकी वैल्यू है, 6 वैल्यू है किसकी, ये x के पी एक्स का ये ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव है, और x क्यूब क्या है हमारा, x क्यूब किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है, पी एक्स के बराबर है। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो 34 में जो सी ऑप्शन है डिट्टो यही है ना, 34 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंह साहब जय हिंद, चलेगा बिल्कुल सही, 34 का सी ऑप्शन, अंकुर सर, ब्रजेश शर्मा सर, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, और यहाँ पे शिल्पा मैडम ने जवाब दिया है, सिंह साहब बिल्कुल सही ना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में सभी ने पढ़ रखा है कई बार, हम इसको करना भी चाहें तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रकट हो ही जाता है, ठीक है, चलेगा। ये 0 to π/2 हम क्या करेंगे भाई, इसको हमने आई के इक्वल लेट कर लिया, आई के इक्वल लेट कर लिया इसको, ठीक है, क्या करेंगे, 0 to यानी कि π/2 माइनस एक्स रखेंगे, है ना, 0 to a होती है अगर हमारी लिमिट, तो क्या करते हैं a माइनस एक्स रखते हैं, तो π/2 माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ऊपर हमको मिल जाएगा क्या, ये आ जाएगा कॉस एक्स, और नीचे क्या मिल जाएगा, ये रूट का कॉस एक्स हो जाएगा, और ये रूट का साइन एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा,
ये समीकरण एक होगा, ये समीकरण दो होगा, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो 2i बराबर आएगा, एलसीएम वही आएगा सेम सेम, और अंश में क्या होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और डिवाइड में भी वही आएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये आ जाता है हमारा पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू चलेगा, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारा पाई बाई टू, और ये जीरो है ना, तो कितना आ जाएगा आई इक्वल टू हमारा आ जाता है ये पाई बाई फोर है ना। सभी को इसका आंसर याद होगा, आसान सा प्रश्न है, तो 35 में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 35 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा है ना। तो 35 में सी सुधीर सर ने जवाब दिया है, बहुत तेज़ी से जवाब आए हैं। सिंह साहब, अरुण सर, सरजीवन सर और रामचरण सर बिल्कुल सही है सर, और सरजीवन सर, शानदार, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36 में हमको इसकी डिग्री बतानी है, इसकी घात बतानी है। तो आपको पता है कि जब भी कभी किसी फंक्शन की किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें घात बतानी होती है तो कोई भी करड़ी नहीं रहनी चाहिए, जो करड़ी होगी, जो सर्ट्स होगी, उसे सबसे पहले हटाया जाएगा। देखिए यहाँ पावर में 3/2 है, मतलब कि अंडर रूट की करड़ी लगी है। बोथ साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो ये वाला स्क्वायर इस पावर को काट देगा और जो फंक्शन कन्वर्ट होके आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगी, वो आ जाएगी डी वाई डी एक्स का क्यूब हो जाएगी ये, और की पावर में, पावर तो खत्म ही हो गई ना, पावर तो खत्म हो गई, इक्वल टू इधर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू की पावर में 2। अच्छा, अब हमसे डिग्री पूछी गई है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है ना। तो सबसे बड़ा जो अवकलज गुणांक है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई डी, जो अवकलज है सबसे बड़ा कौन सा अवकल गुणांक, वो डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू है। तो इसकी पावर देखी जाए तो जो इसकी पावर होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे है ना। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 2 है ना। और अगर हमसे ऑर्डर पूछा गया होता तो बस वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम देखते, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो था वो क्या था, 2 था। तो डिग्री और ऑर्डर दोनों सेम थे यहाँ पे है ना, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आए हैं यहाँ पे, शानदार तरीके से जवाब आए हैं, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल सिंह साहब शानदार, सुधीर सर शानदार, अरुण सर शानदार, सरजीवन सर शानदार, रामचरण सर बिल्कुल सही, सिंह साहब बिल्कुल, दोनों डिग्री और ऑर्डर यही सेम होंगे, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल, शिल्पा सर मैडम बहुत बढ़िया, चलेगा साहब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कह रहा है कि एक बार क्लास को मार दीजिए, शेयर मार दीजिए है ना, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम क्लास डेली करेंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है ना करने में, पता नहीं कोई जुड़ता नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता ना काम करने में, भाई काम भी करो, मेहनत लगती है इसके पीछे, और अगर मज़ा नहीं आता फिर उस तरह में चलेगा साहब। कह रहा द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 81 cm², कह रहा है जो एक ट्राइंगल का एरिया दिया गया है ना, हम उसको जनरली डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 81 cm² दिया गया है, एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2s है ना, पेरीमीटर का मतलब 2s, यानी कि परिमाप 27 cm दी गई है, और अगर यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकालें तो आ जाएगा 27/2 cm हमको निकालना है। देन इन रेडियस हमें निकालना है इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस मतलब हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर आपने पढ़ा डेल्टा अपान s, डेल्टा कितना हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा हमारा 27/2, दो ऊपर चला जाएगा, 27 * 81 ये 3 हो जाएगा, दो ऊपर जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 cm आ जाएगी जो हमारी इनर रेडियस आएगी, इन रेडियस जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 cm। तो 37 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आए हैं यहाँ पे, सिंह साहब शानदार, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, 37 में ए ऑप्शन सही होगा, सुधीर सर बिल्कुल सही, रामचरण सर शानदार है ना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में हमसे कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 3 बी इज इक्वल टू 4 साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी दैट मीन्स आपको एंगल बी निकालना है, कौन सा निकालना है, जो कोण बीच में होता है ना, एंगल बी निकालना है। तो आप यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा रूल, साइन रूल है ना, साइन रूल, ज्या नियम यूज करेंगे। तो ज्या नियम क्या है हमारे पास, वो है साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी। तो साइन ए हमको 3/4 दिया गया, तो 3 ऊपर रहेगा 4 नीचे आ जाएगा, और ए कितना है,
ए हमको 3 दिया गया है, साइन ए बटा भाई 3/4 नीचे आ जाएगा इक्वल टू साइन बी बटा बी, बी बराबर 4 हो जाएगा। इस 3 से 3 कट जाएगा और इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, मतलब हमको मिल गया साइन बी बराबर 1। तो ये हो जाएगा साइन बी बराबर साइन 90 अंश। तो यहाँ पे बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, यानी कि जो कोण बी का मान होगा वो कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा, है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, चलेगा यूजिंग साइन रूल, बिल्कुल सही। 38 में बी, क्या बात है अंकुर सर, शानदार। रामचरण सर शानदार। और यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम जी का जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। शिल्पा मैडम, सुधीर सर शानदार। तो कौन सा बी सही होगा, 38 में बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है टेन कॉस इनवर्स 4/5 टेन इनवर्स 2/3 इज किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम टेन इनवर्स का फार्मूला बनाएंगे, बस हमारे राह में रोड़ा ये बन रहा है, तो हम इसके लिए ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, है ना भाई। वैसे करने जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आधार बटे करण होता है, आधार इसका कितना है 4, करण है 5, तो लंब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको टेन में बदलना है तो लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। लेकिन चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आधार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करण कितना हो जाएगा, 5, तो ये भुजा हमारी 3 आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से टेन इनवर्स निकालना चाहेंगे तो टेन में कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। लंब कितना भाई, 3, और ये 4, 3/4, यानी कि इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक तो टेन रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3 इक्वल टू, ये टेन को यहीं रहने दिया जाए और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, सूत्र बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई, यानी कि 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 3/4 इंटू में आ जाएगा 2/3। तो ये तो दोनों ख़त्म हो गए और यहाँ पे आ गया 9 और 8 ऊपर हुए 17 17/12, नीचे कितना हो गया भाई 6/12, हम काट नहीं रहे 6/12, एलसीएम लिया हमने 12 माइनस 6 आ गया, तो इधर बच गया ये 6/12, 12 से 12 काट दीजिए, ये आ जाएगा साहब 17/6, यानी कि 39 का जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे 39 में सी, अंकुर सर बिल्कुल सही, सिंह साहब सही, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, शिल्पा मैडम बिल्कुल सही। और सर 39 में डी ननाप दी अब तो नहीं आएगा, सुधीर सर एक बार देखिएगा डी कैसे आएगा, टेन इनवर्स ही तो है, 17/6 आना चाहिए, एक बार देखिएगा। गलती तो नहीं हुई ना हमारी तरफ से, तो नहीं हुई, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, 17/6 ही आएगा, सी सही होगा, ठीक है चलेगा साहब, हाँ हाँ 39 में सी सही होगा, ठीक है अरुण सर। आगे क्वेश्चन नंबर 40, 40 में हमको वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है ये टाइपिंग मिस्टेक, हमें निकालनी है साइन और ये है कॉट इनवर्स एक्स। देखिए कॉट को सबसे पहले साइन में कन्वर्ट किया जाए, है ना, तो ये हम इसके लिए ट्राइंगल इस्तेमाल कर लेते हैं, ये एंगल हो जाएगा हमारा और ये पता है हमको कि ये क्या होता है, आधार बटे लंब, परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा एक्स परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, ये निकालेंगे तो 1+x² आ जाएगा, ठीक है, ये साइन और इसको हम साइन इनवर्स बना रहे हैं, अब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 1+x², दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/√1+x² इट मीन्स अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1+x² की पावर में आ जाएगा माइनस का 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो 40 का है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, 40 में डी सही होगा साहब, गलती नहीं करना यार, बिल्कुल सही अरुण सर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सरजीवन सर ये गलतियाँ नहीं करना है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनमें त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना, इनका कैलकुलेशन बहुत ऐसा स्ट्रांग कैलकुलेशन अपना होना चाहिए कि एक बार अगर हम उसे सॉल्व कर दें तो हम अटल हो जाएं कि हमारा आंसर सही है, अब प्रश्न गलत हो सकता है, ये कैलकुलेशन होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे सिंह साहब शानदार, अरुण अंकुर सर शानदार, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अरुण सर बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए, 41 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 मीटर हाई विद इट्स बेस, तो एक लाइट हाउस की बात हो रही है, कि द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दी गई है 60 मीटर दी गई है,
और कह रहा है इट्स बेस एट अ सी लेवल है, यहाँ पे भी है समुद्र तल में, यहाँ पे कोई इसका बेस है, तो यहाँ से कह रहा है कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ बोट, यहाँ पे कोई नाव है तो इसका जो एंगल दिया गया है वो हमको दिया गया है 15 डिग्री दिया गया, द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस, तो इस लाइट हाउस से इसके बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे tan 15, इसी ट्रायंगल में tan 15 का इस्तेमाल करेंगे, वो कितना होता है 60 बाय लंब बटे आधार, लंब हमारा 60 है, आधार कितना है x है, tan 15 का मान रखेंगे हम, वैसे तो 2 - √3 होता है लेकिन हम साइन और कॉस वाले में रखें चूँकि ऑप्शन उसी टाइप के हैं, तो √3 - 1 / √3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 60 बाई एक्स, एक्स को इधर ले आओ इनका इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 60 × √3 + 1 / √3 - 1 मीटर, है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख भी रहा है ना, डी वाला ऑप्शन जो है 41 का वो करेक्ट हो जाएगा, √3 + 1 / √3 - 1 60 मीटर्स, है ना, चलेगा साहब 41 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अंकुर सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सिंह साहब बहुत बढ़िया, सुधीर सर बिल्कुल सही, अरुण कुमार सर बिल्कुल सही, चलेगा साहब, शिल्पा मैडम बिल्कुल सही, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, कितना दिया गया है टी स्क्वायर, ये दिया गया है टी टैन स्क्वायर, एक मिनट, ये दिया गया है हमको टैन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 √3 टैन अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना, अब देखिए इसमें अगर हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से वो बनाया जा सकता है भाई, ये 2ab वाला टर्म देखो, ये 2 है, ये a है और ये b है, b मतलब √3, अगर हमें √3 मतलब 3 मिल जाए कहीं पे, b स्क्वायर वाला टर्म, तो हम क्या करें दोनों साइड क्या करते हैं, काम करते हैं 3 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड 3 ऐड कर दें, तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 √3 tan अल्फा प्लस 3, और 3 इधर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब देखिए ये सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ये tan अल्फा है और ये है √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा भाई 4, है ना, दोनों तरफ हम लेंगे वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड tan अल्फा प्लस √3 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 2, है ना, प्लस माइनस का 2, तो एक बार आप पॉजिटिव ले लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, प्लस वाला जब चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा 2 - √3, और जब आप यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का 2 रहेगा और माइनस का √3 आ जाएगा, है ना, अच्छा ये वैल्यू होती है किसकी, 15 की, किसकी वैल्यू होती है 15, tan अल्फा बराबर आ जाएगा tan 15 अंश, है ना, तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास, 15 का मतलब होता है क्या 12, पाई बटे 12 कितना आ जाएगा, ये पाई बटे 12 आ जाएगा, अच्छा और एक यहाँ से अल्फा मिलाएंगे तो ये टेन में 75 डिग्री का मान होता है और 105 डिग्री का मान होता है ना, ठीक है 105 डिग्री का मान हो जाएगा, 105 डिग्री का मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 7π/12, है ना, अल्फा जो हमको मिल जाएगा वो एक इधर π/12 मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा 7π/12 मिल जाएगा, अच्छा है यहाँ पे हम जनरल वैल्यू जब रखते हैं तो n बराबर हो रखते हैं, तो भाई हमको वो ऑप्शन जो हमको π/12 भी दे दे और 7π/12 भी दे दे वो सही हो जाएगा, है ना, तो इसमें n की वैल्यू हम लोग को हमको पता होता है कि n बिलोंग्स क्या होता है i, तो भाई यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में रखा जाए 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, मतलब कि ये दोनों मान आने की कोई संभावना नहीं, आगे वाले में रखें 0 तो π/2 आ जाएगा, हमें π/12 चाहिए या 7π/12 चाहिए, तो हम सी वाले ऑप्शन में एक बार रख के ट्राई करते हैं क्या दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 0 रखा जाए, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 + 1 और π/12, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा हमको π/12, और अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो मिल जाएगा ये क्या 6, ये 6 × 1 यानी कि 6 + 1 और इंटू में आ जाएगा π/12, यानी कि ये हो जाएगा 7π/12, तो दोनों एंगल हमको ये वाला जो एंगल दिया गया है जनरल सॉल्यूशन जो है वो दे रहा है, तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, 42 में जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे 42 में सिंह साहब जी का, शानदार, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, और अंकुर सर बिल्कुल सही, शिल्पा मैडम बिल्कुल सही, अरुण कुमार सर शानदार, ब्रजेश शर्मा सर 42 में सी सही होगा, बेहतरीन जवाब सभी के, चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43।
ये दिया गया है, लिमिट दी गई है n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ये दिया गया है। चलिएगा हम इसे लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी हमारी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 अपान n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस 1 अपान n प्लस 2 प्लस डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 3n लिखा हुआ है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि n n n सबके साथ है, तो एक n को आप अलग कर लो, n प्लस 2n जो हो जाएगा वो 3n हो जाएगा। अच्छा अब इसे हम क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं हम n इज इक्वल टू, चलो 0 हो गया, समेशन लगाइए, समेशन लगाएंगे और r की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करिए और ले जाइए आप कहाँ तक, 2n तक, r बराबर कितना 2n, और इससे हम लिख सकते हैं 1 अपान n प्लस r, जनरल टर्म लिख रहे हैं इसका हम, है ना, जनरल टर्म में लिखा, तो r का मान जब हम 0 रखेंगे तो पहला पद आएगा, r का मान जब हम 1 रखेंगे दूसरा पद आएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद आएगा, जब लास्ट वाला टर्म रखेंगे 2n रखेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा, मतलब हमारा जनरल टर्म पूरी तरह से सही है ना। थोड़ा सा काम करते हैं इसे, लिमिट लिखा जाए n टेंस टू 0 और समेशन हमारा वही 0 से है 2n तक, r की वैल्यू है वो 1 अपान n, नीचे से लेते हैं कॉमन, n कॉमन लेंगे नीचे से n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये 1 प्लस r बाई n, और यहाँ पे हम r बाई n को x मान लेते हैं और 1 बाई n को चुपचाप करते हैं, dr इज इक्वल टू dx आ जाता है ना। तो भाई अब वैल्यू रख लिया जाए, देखिए जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे है ना, r का मान 0 रखेंगे तो हमको अब क्या होगा, इंटीग्रेशन में इसको चेंज करेंगे भाई, जब हम यहाँ पे r का मान 0 रखेंगे, n का मान अनडिफाइंड रखेंगे ना, यहाँ पे अनडिफाइंड है, n का मान क्या करेंगे अनडिफाइंड रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, वो 0 मिल जाएगा हमको। अच्छा फिर r की जगह पे क्या रखना है हमको, 2n रखना है, तो ये 2 आ जाएगा, तो 0 से 2 हो जाएगा और 1 अपान n dr जो है dx के बराबर हो जाएगा, और ये अपान डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस x और ये dx हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, कोई 0 2 हो जाएगा और ये log 1 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log x हो जाएगा, और ये हमारा 0 टू 2 है, ये आ जाएगा log 3 माइनस log 1, तो कितना आ जाएगा ये log 3 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 43 में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 43 में, बी सिंह साहब शानदार, बहुत सही जवाब आए हैं सभी के, अंकुर सर सभी का सही है पूरी तरह से ना, 43 में सी सही होंगे, अवधेश सर जुड़े हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन। तो 43 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, है ना। ये कह रहा है आई इक्वल टू दिया गया है हमको, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और ये डी एक्स है डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 प्लस 5। ऐसे प्रश्नों को ना हमेशा क्या करिए, जहाँ पे कॉस एक्स मिल जाए साइन एक्स मिल जाए, हाफ एंगल में तोड़ दिया करिए टैन के टर्म्स में। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स का हाफ एंगल में फार्मूला होता है टैन के टर्म्स में, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक बार मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे हम रख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। ठीक है, ये हमारे dx हो जाएगी डिवाइडेड बाई, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका 5 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस का आ जाएगा 5 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। यह आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब देखिएगा इसे वही रहने दिया जाए, अभी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई, देखो 4 और 5 मिला के हो जाएंगे 9, है ना, और 4 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 5 हैं, तो माइनस का सिर्फ टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे क्या भाई कि टैन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा 1 अपान 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि 2 डी टी रखा जा सकता है। अच्छा जब 0 रखेंगे तो भाई t का मान 0 मिलेगा, लिमिट भी कन्वर्ट करनी है 0 मिलेगा, और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा और इसका मान 1 मिल जाएगा। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो 2 डी टी के बराबर हो जाएगा, तो 2 डी टी उसकी जगह पर रख दिया जाए, 2 डी टी डिवाइडेड बाई ये 9 हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, और आपको पता है कि ये हो जाएगा अब हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, 2 को तो चुपचाप बाहर करो, है ना, 1 अपान 2a
वन अपान टू ए, एक ही जगह पे है तीन, ठीक है, इनटू ये आ जाएगा लॉग कितना ए प्लस एक्स, है ना, कि तीन प्लस टी ऊपर कितना हो गया ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होता है। अरे इंटीग्रेशन वन अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वन अपान टू लॉग एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, है ना, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा तीन प्लस एक्स डिवाइड में आ जाएगा तीन माइनस टी, है ना, और लिमिट अपनी रख दी जाए जीरो से वन, रखते हैं भाई। अच्छा ये दो से दो कट जाएगा, ये एक बट्टे तीन आ जाएगा, पहले वन रखा जाए इनकी जगह पे, तो वन रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा लॉग में कितना चार हो जाएगा ऊपर, नीचे तीन माइनस एक यानी कि दो हो जाएगा, माइनस जीरो रख दिया जाए तो ये हो पाएगा लॉग तीन बट्टे तीन, ये लॉग वन बन जाएगा, उसका मान जीरो हो जाएगा, मतलब मामला ख़त्म हो चुका है, एक बट्टे तीन लॉग टू आएगा, माइनस जीरो आएगा, जो कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा एक बटा तीन लॉग टू, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, चवालीस का जो ऑप्शन नंबर है ए, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, चवालीस में सी बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे, अवधेश सर का बिल्कुल सही, सर अंकुर सर बिल्कुल सही, रोका कुमार मैडम बिल्कुल सही, सिंह साहब बिल्कुल सही, ब्रजेश शर्मा सर बिल्कुल सही, सर जीवन सर शानदार साहब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 के बाद 46, 46 कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन द साइन 2a प्लस साइन 2b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वो किसके बराबर होगा। हाँ चलेगा, हाँ वो 45 में डी ऑप्शन सही था सिंह साहब, बिल्कुल सही, ठीक है चलिए, तो ये है साइन 2a प्लस साइन 2b, भाई साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाया जाए, 2 इंटू आ जाएगा साइन सी प्लस डी बटे दो, यानी कि 2a प्लस 2b बटे दो, 2 ले लोगे कॉमन तो आ जाएगा साइन a प्लस बी, कॉस सी माइनस डी यानी कि कॉस 2a माइनस 2b बटे दो, यानी कि कॉस a माइनस बी आ जाएगा, ये कॉस में आ जाएगा कितना a माइनस बी आ जाएगा। अच्छा a प्लस बी की जगह पे हम रख सकते हैं पाई माइनस सी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू जहाँ पे साइन है वहाँ रखा जा सकता है a प्लस बी की जगह पे a माइनस सी, और ये आ जाएगा कॉश में a माइनस बी, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 180 माइनस सी, मतलब कि साइन सी हो जाएगा साइन सी, और कॉश में आ जाएगा a माइनस का b, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 46 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। 45 में डी सही था, हाँ सर ये पी जी टी लाइक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो 46 का जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आया यहाँ पे अरुण सर का, ब्रजेश सर का बहुत बढ़िया, रामचंद्र सर बिल्कुल सही, सुधीर सर बिल्कुल सही, अंकुर सर बिल्कुल सही, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, चलेगा साहब। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 47 के साथ, 47 आसान सा क्वेश्चन है, मतलब मजाक टाइप का क्वेश्चन आया था ये, ए प्लस बी बराबर दिया गया है हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा ये पाई प्लस गामा, है ना, और हमसे वैल्यू पूछी गई थी किसकी, साइन में अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, पाई प्लस गामा, और साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में जाता है, तीसरे में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, और ये आ जाएगा हमारा कितना माइनस का साइन गामा, है ना, तो माइनस का साइन गामा यानी कि 47 का जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, कहाँ गए सभी लोग, तो 47 में जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, ठीक है बिल्कुल सही आ रहे हैं सभी के जवाब, अरुण सर सिंह साहब हो गए, सुधीर सर हो गए, शर्मा मैडम हो गई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 48 में लिखा हुआ है कि 48 माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा गया है, है ना, अब एक काम छोटा सा हमें ये करना है, ए आई इक्वल टू लिख दीजिए, माइनस ए से ए दी गई है तो टू को हम बाहर करते हैं और लिमिट को क्या कन्वर्ट कर देते हैं जीरो से ए कर देते हैं, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उसे रहने दिया जाए अभी डी एक्स, इस टू को इसके साथ सम्मिलित कर लीजिए तो ये हमारी जीरो टू ए हो जाएगी, और टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम रख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स, है ना, वन माइनस का कॉस टू एक्स, थोड़ा सा पानी, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, जीरो टू ए मतलब ए की जगह पे हमारे पास पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर रख दिया हमने,
और ये आ जाएगा साहब पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई। x का हो जाएगा, एक का हो जाएगा x माइनस कॉस 2x का होता है साहब साइन 2x, और आपको पता जो कोफिशियंट होता है उसे डिवाइड में ले लेते हैं, डिवाइड में ले लिया हमने और जीरो से हो गया ये पाई बाई 4। अपर लिमिट रखी जाए पहले, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 2, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान ऊपर 1 आ जाएगा बाई 2, फिर जीरो रखेंगे तो भाई आगे दोनों जीरो हो जाएंगे, माइनस जीरो प्लस जीरो उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कितना आ गया ये पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई 2, पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई 2 यानी कि 48 में जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रामचरण सर का। रेखा कुमारी मैडम बहुत ही स्पीड आपकी शानदार है ना, चलेगा। शिल्पा मैडम बिल्कुल सही, अंकुर सर, अरुण सर बिल्कुल सही, चलिएगा साहब। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे कह रहा है कि अ बिजनेसमैन सेल्स अ पेन, कोई एक बिजनेसमैन है वो एक पेन को बेचता है कितने में, 24 रुपए में, एंड गेन अ मच परसेंट, जो गेन है यानी कि जो लाभ है वो मच परसेंट एज द कॉस्ट ऑफ द पेन, तो पेन की कॉस्ट के बराबर वो क्या करता है, लाभ प्रतिशत कमाता है ना। देन द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द पेन, पेन का प्राइस क्या होगा, तो हम क्या करते हैं भाई सीपी को हम लेट कर लेते हैं। सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा, हमने इसको लेट कर लिया एक्स, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, एसपी कितना है, वो 24 है, सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा तो गेन यानी कि जो इसका लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, हमें पता है कि भाई लाभ तब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो और सीपी क्या हो, छोटा हो, तो कितना हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा 24 माइनस का एक्स, और वो गेन क्या कह रहा है कि गेन अ मच परसेंट एज द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब कि अगर कॉस्ट एक्स है तो एक्स का एक्स परसेंट फायदा है ना, गेन है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, तो जो इसका लाभ है वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस का उतने परसेंट है ना, तो अगर एक्स है तो एक्स का एक्स परसेंट हो गया हमारा गेन यानी कि फायदा लाभ, चलिएगा दोनों लाभ बराबर कर लिए हैं हमने इधर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स परसेंट का मतलब होता, परसेंट का मतलब 1/100 यानी कि डिवाइड में 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा साहब 24 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 100 एक्स आ जाएगा और माइनस का 2400 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा 12 दूनी 24 है ना, 120 में 20 घटा दिए जाएं, ठीक है, तो प्लस का 120 एक्स माइनस का 20 एक्स और माइनस का 2400 इक्वल टू 0 करेंगे फैक्टर इसके, तो आ जाएगा एक्स प्लस 120 माइनस 20 लेंगे कॉमन तो आ जाएगा एक्स प्लस 120 इक्वल टू 0, एक्स बराबर एक 20 आ जाएगा और एक माइनस का 120 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता तो एक्स बराबर 20 क्या होगी, वो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हमारा 20 रुपया हो जाएगा, 49 में जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आए हैं यहाँ पे सुधीर सर के, अरुण सर, ब्रजेश शर्मा सर, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही, सिंह साहब बहुत बढ़िया, अवधेश सर बिल्कुल सही, चलेगा, शिल्पा मैडम बिल्कुल सही, अंकुर सर 49 में सी शानदार है ना, चलेगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, हलवा सा प्रश्न है, करिएगा। हमें निकालना है मीडियन, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं है ना, चलिएगा लिखते हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो सबसे जो छोटा वैल्यू है यहाँ पे वो है 46, 46, इसके बाद जो है वो है 47, 47 के बाद जो है वो है 48, 48 के बाद है 48.5, फिर है 48.8, 48.8 के बाद और है कोई, ठीक है 48 के बाद फिर है हमारे पास 47 हो गया, फिर है 50, 50 हो गया, चलो 50 के बाद क्या है 50.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50.5 के बाद एक 50 तो एक 52 भी है आगे है ना, 52 भी है, चलिए 8 पद हो गए, ये कितने पद हैं हमारे पास, 8 पद हैं। आपको पता है कि तब हमारे पास 2 मध्य पद होते हैं है ना, मीडियन क्या होती है भाई, अगर हम इसका मीडियन निकालेंगे तो भाई 8 पद हैं, अगर सम होते हैं तो 2 पद होते हैं, तो दोनों पदों के बीच में माध्यिका हमारी होती है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि जो मीडियन बराबर होती है, फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं n बाई 2 एथ टर्म प्लस
एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म है ना, पूरे के बट्टे में कितना आता है दो, तो आठ बट्टे दो यानी कि चारवां पद चौथवां पद फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन सा है वो है 48.5 और फिफ्थ टर्म कितना है 48.8 डिवाइडेड बाई टू, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा तो 48 तो वही रहेगा 8 5 13, जोड़ लेते हैं सभी को, तो ये हो जाएगा 48 2 96 और 8 5 13 1.3 और हो जाएंगे है ना, तो कितना हो जाएगा ये 97.3 आ जाएगा, 97.3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 4 8 कितना बचा हमारे पास 1 2 9 2 8 16 फिर हो जाएगा 2 6 12 2 5 10 है ना, 48.6 हो जाएगा 6 5, डी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 50। और वाई जेड इनमें जेड कॉमन ले लिया जाए, जेड कॉमन ले लिया जाए, अगर हम जेड कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा वाई प्लस जेड और ये साथ में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है आगे देखेंगे, ये माइनस का है एक्स जेड और ये है डी वाई और प्लस का है एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो है ना, तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे छोटा सा काम ये करना है हमको, इसमें एक्स एक्स जोड़ना है थोड़ा सा, एक पद जोड़ना है एक पद घटाना है, तो हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं एक्स जेड डी जेड जोड़ दीजिए और इतना ही इसमें घटा दीजिए इक्वल टू जीरो, अब कर लिया हमने ठीक है, इसको तो चुपचाप रहने दीजिए, जेड रहेगा इनटू आ जाएगा वाई प्लस जेड डी एक्स। अब एक छोटा सा काम ये करना है कि हमको एक्स जेड वाले एक साथ रख देना है जिसमें डी वाई आ जाए एक हमारा और एक डी जेड आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वाई प्लस जेड है ना तो माइनस वाले दोनों साथ ले लो, तो हम माइनस का एक्स जेड कॉमन लेंगे, ये वाला पद और ये वाला पद दोनों को एक साथ लेंगे ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई और प्लस का आ जाएगा डी जेड, बाकी जो दो बचे हैं अब उनको साथ में ले लिया जाए, इनको अगर हम साथ में लेंगे तो ये क्या है एक्स वाई डी जेड है ना, तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया वाई प्लस जेड और ये क्या आ गया डी जेड आ गया इक्वल टू जीरो आ गया है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम सभी में भाग दे देते हैं किससे एक्स जेड और वाई प्लस जेड से, सभी पदों में भाग दे दीजिए, सभी में भाग दे दीजिए किससे एक्स जेड इंटू वाई प्लस जेड से, इसमें भी भाग दे दीजिए और इसमें भी एक्स जेड इंटू वाई प्लस जेड से भाग दे दीजिए और इसमें भी एक्स जेड इंटू वाई प्लस जेड से भाग दे दीजिए ठीक है, तो ये भाई वाई प्लस जेड को काट देगा, जेड से जेड कट जाएगा और यहाँ पे आते हैं एक्स से एक्स कट जाएगा और जेड से जेड कट जाएगा दोनों, यानी कि वो पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा और वाई प्लस जेड से ये कट जाएगा, मतलब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा हुआ है डी एक्स अपान एक्स माइनस डी वाई प्लस डी जेड अपान में आ जाएगा वाई प्लस जेड और प्लस का बच रहा है ये डी जेड बटा जेड इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका लॉग एक्स का है ना भाई, ये किसका हो जाएगा लॉग एक्स का हो जाएगा और माइनस, देखिए अगर इसमें वाई प्लस जेड को हम टी मान लें और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी जेड जो है डी टी के बराबर हो जाएगा और ये वन अपान टी हो जाएगा, ये लॉग टी बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा लॉग में कितना वाई प्लस जेड और ये बन जाएगा लॉग में जेड इक्वल टू हम लॉग सी ऐड कर देते हैं, हमने लॉग सी ऐड कर दिया है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा ये आ जाएगा एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है ना ये, ठीक है अभी दिख रहा है चलेगा, तो ये आ जाएगा लॉग का एक्स जेड और डिवाइड में आ जाएगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा कितना लॉग सी और थोड़ा सा मेंटेन करेंगे इसे, लॉग लॉग हटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना एक्स जेड इज इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस जेड है ना, तो एक्स जेड इंटू सी प्लस यानी कि वाला सी वाला ऑप्शन जो है 45 का वो करेक्ट हो जाएगा, 45 का जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा है ना, चलेगा इसके बाद शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बार मैं आप सभी को देख लेता हूं और सबके जवाब वगैरह ले लेता हूं, चलेगा ठीक, वेरी गुड इवनिंग सर, यहां पे रामचरण सर, वेरी गुड इवनिंग ठीक है, तो इसमें 45 वाले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 आपके सामने है और इसमें यू दिया गया है हमसे, यू दिया गया है और यू क्या है हमारा एक
यूनिवर्सल सेट है, ए दिया गया है, बी दिया गया, और हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, हमें निकालना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ठीक है। तो एक काम हम कर सकते हैं, बी डैश है ना, तो यू से घटा दिया जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी को यू से घटाएंगे तो वो यही बराबर हो जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो यू माइनस इसे लिख सकते हैं क्या, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो U कितना दिया गया है, U के एलिमेंट आपके सामने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है और छः है, माइनस A और B का दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए, तो A और B के इंटरसेक्शन में हम देख रहे हैं सिर्फ छः है, छः आ गया, बचेगा कितना हमारे पास, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा और पाँच हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जो 51 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम का, शानदार मैडम, चलेगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, बावन में कह रहा है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इन रेशियो। तो देखिएगा भाई किसका किसका हाइट, ये हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई, रेडियस और हाइट जो दी गई वो क्रमशः कितनी दी गई, 5:12 दी गई है। तो सीधी सी बात है, अगर ये होती है तो भाई वो चूंकि स्लैंट हाइट हमसे पूछा इन्होंने तो हमें सीधा 13 के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन करने का तरीका उसे कर भी लिया जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा, मान लीजिए 5K आ जाएगा और H बराबर 12K आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका वैल्यूम निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, इसका वैल्यूम बराबर सूत्र होता हमारा 1/3 πr²h। वैल्यूम दिया गया है 314 m³ दिया गया है और ये 1/3 है और ये 3.14 हो जाएगा और R का मान कितना हो जाएगा, 5×25² × h हो गया हमारा 12K, ठीक है। इसका दशमलव हटा दिया जाए, इसको 100 कर दिया जाए, 314 को काट दिया जाए और यहाँ पे है 100, 25 से काट देते हैं ये 4 हो जाएगा, फिर इनको काट दिया जाए, बचेगा क्या हमारे पास, 1/3 है यहाँ पे, है ना, 1/3, तो ये 3×4 = 12 कट जाएगा, k³ = 1 आएगा, तो क्यूब k बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, k का मान 1 आ गया। और हमें क्या निकालना है, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट हमने पढ़ा है तिरयक ऊंचाई बराबर l बराबर क्या होता है, √h² + r², तो √ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25² + 144² यानी 169² है ना, 169K² कितना आ जाएगा, 13K, K का मान देर रख दिया जाए तो स्लैंट हाइट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7.13 m आ जाएगी, यानी कि 52 का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम का, अरुण सर वेरी गुड इवनिंग, चलिएगा साहब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है हमको 3x²-6x+4=0 है ना, इट मीन्स यहाँ पे गिवन है हमको क्या, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का अगर आप योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -b/a - 6/3 यानी कि -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में क्या होता है -b/a, अभी का वैल्यू ऑलरेडी -6 है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आने वाली वो हमारे पास 2 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, वो 4/3 आ जाएगा c/a। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एक ब्रैकेट में है, प्लस का है 2 × LCM लेंगे, अगर ना लेना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1/α 1/β और प्लस कितना हो जाएगा 3α β हो जाएगा, है ना भाई, आप समझिएगा। तो ये हो जाएगा α² + β² LCM लेंगे तो ऊपर हो जाएगा α² + β² / α β। तो α² + β² को हम कन्वर्ट करेंगे, हम इसे लिखेंगे α + β² और कितना भाई, दो अल्फा बीटा एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनको घटा दिया जाए अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, हमने इसको कन्वर्ट किया है, ये आएगा α² + β² / α β। तो α² + β² को हमने कन्वर्ट कर दिया α+β²-2α β, है ना, प्लस LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × α + β
डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा और प्लस हो जाएगा तीन गुड़े ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी जाए चार बटे तीन, है ना, चलेगा। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी जाए, कितनी दी गई है, दो दी गई है, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई दो का स्क्वायर चार आ जाएगा, माइनस दो गुड़े कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चार बटे तीन रखेंगे तो ये आठ बटे तीन हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आठ बटा तीन, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा चार बटा तीन, प्लस हो जाएगा दो इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दो रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी चार बटे तीन, प्लस में आ जाएगा भाई तीन से तीन काट देंगे ये चार आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, चार तीन बारह माइनस आठ, बारह माइनस आठ बटे तीन, यानी कि चार बटे तीन बटे चार बटे तीन, ये आ गया वन, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए इस वाले चार से ये वाला चार कट जाएगा, तीन ऊपर चला जाएगा, प्लस चार ऐड करेंगे सभी को कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा, है ना। तो तिरपन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरपन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया रेखा कुमारी मैडम जी का, अरुण कुमार सर शानदार, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 54, कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम, तो y इज इक्वल टू दिया है इन्होंने x प्लस वन बाई एक्स, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका अगर हमको व्युत्क्रम निकालना है ना, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो बस पलट देना है, ठीक है। रेसिप्रोकल अगर इसका निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ वाई, वाई का जो व्युत्क्रम होगा तो पलट दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, तो आ जाएगा एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ऐसा कौन सा विकल्प है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का, है ना, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे सर का, अरुण सर बिंदास सर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 54 का सही तो है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा ना, ठीक है भाई, व्युत्क्रम ही तो निकालना है 54 में, तो 54 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि इफ ए अल्फा सॉरी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर मैग्नीट्यूड ऑफ 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि वेक्टर ए और लैंग्वेज थोड़ा सा सटीक नहीं लिखी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो हमको मैग्नीट्यूड दिया गया है ना, वो इसका कितना दिया गया है, तीन दिया गया है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड दिया गया वो चार दिया गया है, और वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड दिया गया वो पाँच दिया गया है, और हमसे एक बात ये बताई गई है कि ए बी सी आर परपेंडिकुलर टू, जो ए है वो इस पे परपेंडिकुलर है, बी जो है सी प्लस ए पे परपेंडिकुलर है, और वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए प्लस सी पे परपेंडिकुलर है। हमको पता है कि अगर मान लीजिए उसने कहा है कि जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी प्लस सी पे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर होगा, यानी कि ए डॉट वेक्टर बी प्लस दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होता है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हमको मिलने वाला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। इसी तरह से जब बी परपेंडिकुलर होगा किस पे, जब बी होगा इस पे परपेंडिकुलर, सी होगा इस पे परपेंडिकुलर, तो हमको कुछ रिलेशन मिलेंगे, ये क्या मिल जाएगा भाई, अगला वाला रिलेशन जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट में वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, और एक रिश्ता मिल जाएगा वेक्टर सी डॉट में वेक्टर ए प्लस और वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टू इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा, और हमें वैल्यू निकालनी है द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, स्क्वायर लेके चलते हैं इसका, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर
और ये हो जाएगा वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस टू में आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, टू इंटू में आ जाएगा टू ए भी होता नहीं है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला है यहाँ पे, बस वेक्टर फॉर्मेट में है ना। तो इस ये हो गया हमारा, ठीक है भाई इसका वैल्यू तो जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसका ए स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा और इसका स्क्वायर सोलह आ जाएगा, इसका स्क्वायर पच्चीस आ जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा पचास है ना। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। तो वर्गमूल लेंगे तो मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू आ जाएगा पाँच अंडर रूट दो है ना, पाँच अंडर रूट दो। तो पचपन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, पचपन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, पाँच अंडर रूट दो इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब अरुण सर, रेखा कुमारी मैडम, माथुर सिंह सर बहुत बढ़िया, चलेगा पचपन में ए सही है। आगे बढ़ते हैं साहब क्वेश्चन नंबर छप्पन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छप्पन में कह रहा है कि आई दिया गया है तो ठीक है ये हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये हो गया हमारा आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के हमारा आई के बराबर हो जाएगा है ना, ये क्रम ध्यान रखते हैं, आई के बाद जे और जे के बाद क्या आएगा के, अगर इस क्रम में आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा और अगर इस क्रम इधर उधर होता है तो फिर माइनस के साथ आएगा। तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बाद आई होता है तो इसको आई में ही रखेंगे, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई के बाद जे आता है कोई दिक्कत नहीं, प्लस और ये आ जाएगा के डॉट आई क्रॉस जे के बाद के आ जाएगा, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर और ये आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू वन हो जाती है ना, आई का आई के साथ जो डॉट होता है वो क्या होता है वन हो जाएगा हमारा, प्लस जे का जे के साथ वन हो जाएगा और के का के साथ वन हो जाएगा और ये मिला के कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। तो छप्पन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, छप्पन का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वरुण सर बिल्कुल सही जवाब, माथुर सर माहौर सर बहुत बढ़िया सर, ठीक है माहौर सर बहुत बढ़िया, चलेगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। 57 में हमसे कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू, आप हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लेट कर लेते हैं इसको, लेट एस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है y का मान रख दिया जाए, यहाँ से निकालिए y बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर बटे x, तो ये हो गया ए एक्स प्लस ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आ जाएगा x, ठीक है भाई हमने y की जगह पे क्या रख दिया, y की जगह पे रख दिया सी स्क्वायर बटे x, ठीक है हमने रख दिया। अब देखते हैं भाई हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कौन सी निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो डी एस बटे डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो a हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई बी सी स्क्वायर, तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, वन अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करिए आप एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर एस डी एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का टू होगा क्योंकि माइनस का टू आएगा ऊपर, तो उसको टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स क्यूब है ना, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब आपको पता है कि फिर हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं डी एस बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल करते हैं, तो जीरो कर दिया जाए तो यहाँ से हमको मिलेगा कितना, ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा बी सी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ से आप x निकालना चाहेंगे तो a आएगा बटे में और ये आ जाएगा प्लस माइनस c अंडर रूट में आ जाएगा b बाई a। तो देखिए c का मान एक आ जाएगा प्लस में और एक आ जाएगा, x का मान एक माइनस में आ जाएगा, प्लस वाला रखेंगे तो हमको मिनिमम मिलेगा, हमें क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे जिससे यहाँ पे जब रखा जाए तो डी स्क्वायर एक्स टू, और मतलब कि एक्स इक्वल टू किसके लिए, एक्स इक्वल टू माइनस सी अंडर रूट में बी बाई ए के लिए जो हमारी वैल्यू होगी किसकी, डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू की, वो क्या होगी लेस देन जीरो होगी, तो मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस सी बाई रूट बी बाई ए पे क्या होगा मैक्सिमम होगा है ना, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमको मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो बस इसी s की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली जाए, ये ऐसा है हमारा
एस मैक्स निकालना है, तो मैक्सिमम किस पे आई है, एक्स का मान है माइनस का सी बट अंडर रूट बी बाई रूट बी बाई ए, है ना। तो आते हैं यहाँ पे ए एक्स ए इंटू एक्स, एक्स कहाँ पे है, ये है, तो कितना हो जाएगा भाई, एक तो माइनस आ जाएगा, रहने दीजिए सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट बी बटे में अंडर रूट ए, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर। एक्स की जगह पे रख देते हैं वैल्यू, रख लिया जाए, कितना आ जाएगा माइनस का सी अंडर रूट बी और इनटू में अंडर रूट ए ऊपर चला जाएगा, इस सी से सी को काट दीजिए, है ना, और ये ए लिखा है ना तो रूट ए बचेगा वहाँ पे, तो ये माइनस का आ जाएगा कितना सी रूट ए बी, और इधर भी आप देखेंगे तो रूट भी कट जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस का सी रूट ए बी, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का टू सी रूट ए बी, माइनस का टू सी रूट ए बी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 57 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम का। विनीत कुमार सर शानदार 57 का सी। मोहार सिंह सर बिल्कुल सही, 57 का सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 में लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस आई वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, है ना, तो यहाँ पे लेट किया जाए, माना जाए, लेट किया जाए, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी रख दिया जाए और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 1 प्लस आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी डी एक्स, है ना। तो डी वाई डी एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डी टी डी एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे आते हैं तो ये आ जाएगा कितना डी टी डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में सेक टी, है ना, सेक टी 1 को उधर भेज दिया जाए, उसके पास भेज देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी इक्वल टू में आ जाएगा कितना सेक 1 प्लस सेक टी 1 डी एक्स को ही रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस का हो जाएगा और ये सेक टी को लिख दीजिए आप 1 अपान कॉस टी, ठीक है, ये 1 अपान कॉस टी हो गया। आगे 1 अपान कॉस टी हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा कॉस टी, ठीक है। चलिए अब सेपरेट करते हैं इनको, सेपरेट किया जाए, टी की तरफ ले जाया जाए, तो ये अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस में कॉस टी इक्वल टू इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अच्छा ऊपर कॉस टी को हाफ एंगल में चेंज कर दिया जाए, हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे रखेंगे कॉस टी को जब हाफ एंगल में रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 1 कट जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ये टी बाई 2 आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और कितना बस इतना बचेगा, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साहब डी एक्स आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस का आ जाएगा कितना 1 बाई 2 सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमारा टी बन जाएगा माइनस ये 1 अपान 2 आएगा और सेक का पता है हमको कि टैन होता है तो ये आ जाएगा टैन टी बाई 2 और आपको पता है 1 बाई 2 डिवाइड में आएगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, जो कोफिशियंट होता है उसे डिवाइड में लाते हैं तो यहाँ पे 1/2 है कोफिशियंट डिवाइड में आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा इधर एक्स आ जाएगा और ये प्लस का सी आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेट करेंगे जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये आने वाला है हमारे पास, ठीक है साहब चलेगा, एक बार अभी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं आगे, इधर आ जाते हैं अब। तो इस टी की जगह पर हम फिर से वापस जा रहे हैं, एक्स प्लस वाई रखना है इक्वल टू, बीच में माइनस है माइनस लगा दीजिए और टेन देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा टेन टी बाई 2, टेन टी बाई 2 का मतलब टी की जगह पे अगर एक्स प्लस वाई रख दिया जाए तो टेन एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा साहब एक्स प्लस सी से एक्स को एक्स से एक्स को काट दिया जाए और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस का टेन एक्स प्लस वाई बाई 2 व एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू सी, ऐसा ऑप्शन नंबर जो सी है वो मैच सा कर रहा है। 57 में सी बिल्कुल सही जवाब रेखा कुमारी मैडम, और विनीत कुमार सर
मोहार सिंह सर बहुत सही, अरुण कुमार सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की रैंक हमको फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें जो रो हैं वो कितनी हैं, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो मान लीजिए कि हमारा ये ए है, एक मैट्रिक्स है। हम थोड़ा सा काम करेंगे, हम यहाँ नीचे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको इससे जोड़ेंगे, ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ये 8 रहने दीजिए, इससे 1 रहने दीजिए, 3 रहने दीजिए, 6 रहने दीजिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, 3 रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, बाकी इनको जोड़ दीजिए। आर वन में आपको जोड़ना है, आर वन आपको आर थ्री है ना, आर थ्री में क्या करना है, आर वन प्लस आर थ्री करना है, करिएगा। तो ये भाई यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा, ये 1-1 ये भी 0 हो जाएगा, 3-3 ये भी 0 हो जाएगा, और 6-4 ये 10 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ना 3 इंडिपेंडेंट रो मिल रही हैं, है ना, 3 इंडिपेंडेंट रो मिल रही हैं। तो इससे पहले आपसे बात करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग दिया गया है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, रैंक ऑफ ए अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगी भाई, रैंक ऑफ ए जो होगी वो क्या होगी, वो लेस देन या इक्वल टू, है ना, किसकी होगी, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या तो ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। इनमें से जो दोनों मिनिमम होगा, चाहे वो पंक्तियों की संख्या हो या स्तंभों की संख्या हो, तो मिनिमम पंक्तियाँ कितनी हैं, 3, और वो कितना है, 4, तो मिनिमम कौन सा है, 3। चूँकि यहाँ पे हमें 3 इंडिपेंडेंट रो मिल रही हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो हमारे पास रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, है ना, 3 हो सकती है, 3 से छोटी होगी, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हमको तीनों इंडिपेंडेंट रो मिल रही हैं, इसलिए क्या होगा, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो 59 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है रेखा कुमारी मैडम, विनीत कुमार सर शानदार, है ना। चलेगा साहब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 36 गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क। अच्छा, कितनी है, 36 लड़कियां हैं, सॉरी गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। चलिए लेट कर लेते हैं कि जो इनमें से गर्ल्स हैं वो एक्स हैं और जो बॉयज हैं वो कितने हैं, वाई हैं। तो टोटल जो संख्या है हमारी वो कितनी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया भैया, 36 हो गया। ये समीकरण का एक हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा, है ना। दूसरे वाले की बात करते हैं, कह रहा है कि इफ गर्ल्स आर पेड ₹5 फाइव ईच, लड़कियों को ₹5 एक को मिल रहा है तो 5x हो जाएगा, और लड़कों को ₹4 मिल रहे हैं तो इनका 4y हो जाएगा, दोनों मिला के ₹166 पे किए गए हैं, दोनों को मिला के कितना कर देते हैं, 166 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबको जोड़ने पे 36, यानी कि सारे ऑप्शन मतलब हल ही करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल किया जाए, करते हैं भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 4 से करते हैं मल्टीप्लाई और उसके बाद घटा देते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 4x - 5x, तो ये माइनस का x बचेगा, ये तो 4y कट जाएंगे, बराबर में आ जाएगा 36 × 72 -166 का 22 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा साहब, एक्स 22 आएगा तो y कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 में जो b वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई, बिल्कुल सही, 60 में b ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ सर, मोहार सर बहुत बढ़िया, 60 में b, विनीत कुमार सर शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 61। तो एक बात आपको पता ही होगी कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन दी जाए कि क्या दी जाए, साइन x आ जाए और उसके डिवाइड में क्या आ जाए, cos y आ जाए, या फिर क्या आ जाए भाई, sec आ जाए, sec x आ जाए उसके डिवाइड में cos sec x आ जाए, या फिर tan x आ जाए, ये y आ जाए, ठीक है, tan x आ जाए और उसकी डिवाइड में cot y आ जाए, और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ जाए, अगर x प्लस वाई बराबर 90 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इसकी भी वैल्यू 1 होगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए cot 40 और 50 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, माइनस का
वन बाई टू। देखिए कॉस 30 कॉस 55 दोनों एंगल जोड़िएगा 90 आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 1 माइनस 1 बटे 2 यानी कि कितना बचेगा 1 बटे 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 61 का जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। विनीत कुमार सर, अरुण सर, रामचरण सर, बिंदास सर, बहुत बढ़िया, 1/2। चलिएगा साहब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखा जाए बाफट। 62 में हमको ए दिया गया है, बी दिया गया है, और हमको निकालना क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के एलिमेंट रख दिए जाएं, हमको 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है ना, ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे यूनियन लगा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए। एक तो 3 है और 5 है ना, इनके इंटरसेक्शन में 3 और 5 कॉमन है, फिर इन दोनों का यूनियन निकाल लिया जाए, तो 1, 2, 3, 4 साथ में आ जाएगा 5, है ना। तो बाफट में पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 62 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 62 का ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्या बात है, खतरनाक। 63 में कह रहा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमको 50 दिया गया है, ठीक है। तो भाई एक तो क्लास इंटरवल लिखा जाए सी आई, तो क्लास इंटरवल कहाँ से दिया है? 0 से 20 दिया है, 20 से 40 दिया है, यह हाई स्कूल का क्वेश्चन है, 40 से 60 दिया है, 60 से 80 दिया है और 80 से 100 दिया है, ये यहाँ पे लास्ट में 100 है, ठीक है 100 है, ये क्लास इंटरवल है। अच्छा इनका मध्यमान भी निकाल लें, मीन निकाल लें, तो कितना आ जाएगा भाई? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा बाई 2, 60 है तो ये 30 आएगा, 20-20 का अंतर है, ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है? इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी भी लिख ही लिया जाए, ये 17 है, ये F2 है, ये 32 है, ये F4 है और ये 19 है। अच्छा इनका मल्टीप्लाई भी कर लिया जाए, F इंटू X भी निकाल लिया जाए, 117 हो जाएगी, ये 30 F2 हो जाएगी और ये 5 × 3 = 15 और 10 कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 1500 और 2 = 1600, ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा और ये 70 F4 हो जाएगा, 19 नहीं है 171, 1710 हो जाएगा। अच्छा अब एक बात और इन्होंने दी है यहाँ पे, हमको क्या दिया गया है कि F1 प्लस मतलब कि हमको F2 और F4 निकालनी, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है ना। टोटल में ये इन्होंने कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 120 है, इन सबको जोड़ने पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है? 120 आ रही है। मतलब कहने का ये कि 17 और 32 और 19 हम क्या करते हैं, 17 से इसको देते हैं तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, 52 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा, 68। तो ये हो जाएगा हमारा 68 प्लस में कितना आ जाएगा? F2 आ जाएगा और F4 आ जाएगा, और इनको जोड़ने पे ये कह रहे हैं कि 120 आ रहा है, उधर जाके इन्हें घटा देंगे तो F2 प्लस F4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा साहब 52, है ना, 52 आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन उन्होंने और दिया है कि मीन दिया गया है हमको, मीन दिया गया है, तो मीन हमको पता है कि सिग्मा एफएक्स, इन सबको जोड़ लिया जाए, है ना। तो ये 170 है, ये 1600 है, तो 1600 सीधा जोड़ते हैं, देखिएगा कितना हो जाएगा भाई, 1600 3200, 100 और 3300 10 हो गए, 3302 में 10 में 70 जोड़ दीजिए, 3380 हो गए, 100 और जोड़ दीजिए तो 3480 हो जाएगा, ये जोड़ने पे है ना, कितना आ जाएगा ये 3480। तो डिजिट डिजिट हमने जोड़ लिया तो वो आ गए 3480 प्लस 30 F2 प्लस 70 F4 बटे डिवाइड में कितने आ जाएगा सिग्मा F, सिग्मा F कितना है 120 और आपको मीन दिया गया है, मीन इन्होंने दिया है आपको 50, है ना, मीन कितना दिया है 50, तो इसको 50 को इधर ले लीजिए, इक्वल टू देखिए 10 है ना, सब में 10 ऊपर से कॉमन है, तो कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा 348 प्लस 3 F2 प्लस 7 F4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 12, ठीक है, ये 10 हमने काट दिया नीचे से भी, 12 × 5 = 60 600 हो जाएंगे, 600 में 348 घटा देंगे तो 300 तो डायरेक्ट घट जाएंगे, तो फिर 348 और घटा दीजिए तो 52 आ जाएगा, 252, है ना। यानी कि अगली जो इक्वेशन बनने वाली है हमारे पास 3F2
प्लस 7F4 इज इक्वल टू बन जाएगी 252। इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो सीधा ये है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 52। तो इनको जोड़ेंगे तो 52 तो नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 52 नहीं आएगा, 44 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 52 नहीं आएगा। तो हमको यहीं से टिक मार देना चाहिए था कि भाई इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। तो F2 हमारी 28 हो जाएगी, या फिर हम इक्वेशन 1 को ले लें और इक्वेशन 2 को ले लें। इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो हल करने पे हमको ये वैल्यू मिल जाएंगी, F1 और F2 की दोनों की वैल्यू, है ना। तो जिसमें F2 का वैल्यू जो आएगा वो 28 आ जाएगा और F4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 24 आ जाएगी, है ना। वह तो हमको यहीं से कर देना चाहिए था, दोनों को जोड़ने पे 52 आता, बाई ऑप्शन हम कर देते, 63 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा साहब, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। ये थोड़ा सा विकराल क्वेश्चन था। हमें इन दोनों का SCF निकालना है। तो भाई ये हो गया हमारा क्या, x2। देखिए x2 प्लस 2x प्लस 1 है, इसे हम लिख सकते हैं x2 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस का 2x प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों के SCF की बात करते हैं, दोनों में कॉमन की बात करते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, हैं, उसका ईश्वर है और ईश्वर एक है, तो एक हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 64 अटेम्प्ट करें सभी लोग, जवाब नहीं आ रहे आपके, ठीक है, आगे बढ़ा जाए साहब। एक बार क्लास को थोड़ा सा शेयर मार दीजिए सभी लोग, दबा के चलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। 65 में हमको सेंट्रिसिटी निकालनी है। देखिए कभी भी सेंट्रिसिटी निकालनी नहीं हो ना, सेंट्रिसिटी निकालनी हो तो कभी भी आप परेशान ना हो कि इसको आप पूर्ण वर्ग बनाएं, कंप्लीट करें। इन दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू देख लिया करिए, जो छोटी हो, एक तो 1 माइनस कर लो, इनमें जो भी छोटी हो उसे ऊपर रख दिया करो। कौन छोटा है, 4, तो 4 को ऊपर रखो और ये नीचे रखो 9, ठीक है, और सीधा कैलकुलेट कर दीजिए अंडर रूट, मतलब जो भी आएगा, चाहे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो छोटा है उसे ऊपर रखेंगे, जो बड़ा है उसे नीचे रखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 4 बट्टे में 9, ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बट्टे में 9, वर्गमूल लेंगे तो ये अंडर रूट 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3, अंडर रूट 5 बटा 3। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो 65 का जो सी होगा वो करेक्ट होगा, है ना भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। 66 में हमको निकालना है, कह रहा है कि द कॉनिक रिप्रेजेंट। अब देखिएगा यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं बड़े शानदार दिए गए हैं, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, और क्या दिया गया है, पैराबोला। मतलब स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ हमें डिसाइड कर लेना है h2 माइनस ab। अगर ये हमारा जीरो आता है तो पैराबोला होगा, और अगर h2 माइनस ab की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो इस कंडीशन में ग्रेटर देन जीरो में हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, और अगर h2 माइनस ab जो है वो लेस देन जीरो आ जाती है तो क्या हो जाएगा, एलिप्स आ जाएगा, है ना। और चलिए निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और a की वैल्यू कितनी है, 16, और b की वैल्यू कितनी है, 9, है ना। तो h2 माइनस ab की वैल्यू पहले निकाली जाए, वो कितनी आ गई, 12, 144 हो जाएगा, माइनस 16 नहीं है, 144 आ जाएगा, जीरो आ गई, है ना। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो वो क्या है, पैराबोला है, है ना। अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, h2 माइनस ab की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैराबोला हो जाएगी। तो 66 में डी वाला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही जवाब आया है अरुण सर का। चलेगा साहब, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखा जाए। 67 में कह रहा है कि अ बॉडी रेस्ट अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड वी विल जस्ट स्लाइड डाउन द प्लेन व्हेन द स्लोप ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री। तो ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, म्यू निकाल लेते हैं। म्यू मतलब घर्षण गुणांक, है ना।
वो क्या होता है, कितना दिया गया है हमको, एंगल कितना दिया गया है, स्लाइड डाउन द प्लेन व्हेन द स्लोप ऑफ द प्लेन, प्लेन का जो स्लोप दिया गया है वो कितना 30 डिग्री, तो ये होता है म्यू टैन थीटा होता है। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साहब 10/30 और इसका मान आ जाएगा 1/√3। हमसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द प्लेन व्हेन द स्लोप इज इंक्रीज टू 60 डिग्री। अगर कह रहा है कि स्लोप को इंक्रीज कर दिया गया 60 डिग्री, तो हमको निकालना है इसका एक्सीलरेशन, है ना। तो इस दौरान जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वो फार्मूला ही याद रखेंगे, है ना। तो अगर एंगल इंक्रीज किया गया 60 डिग्री, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। वैल्यू रखेंगे जी को, तो पहले कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे और 9.8 इसकी वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा एंगल कितना हो गया है अब 60 डिग्री हो गया है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस का म्यू है, म्यू का मान आ चुका है हमारे पास 1/√3, जी बाहर जा चुका है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साहब कॉस 60, ठीक है। और ये आ जाएगा 9.8 इंटू साइन 60 का मान होता है 3/2 माइनस का कॉस 60 का मान 1/2 रखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ये। और एलसीएम लेंगे तो ये तो 9.8 आ जाएगा और एलसीएम इसका आ जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 3-1 यानी ऊपर 2, 2 से 2 काट देंगे जो कितना आ जाएगा 9.8/√3। इस दशमलव को हटा देंगे, 10 से नीचे गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 98/10√3, यानी कि ये यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 98/10√3। तो 67 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 67 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, और रेखा मैडम क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाई टू है तो टू तो कट ही जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है चलेगा। और ये क्वेश्चन 68 जो है थोड़ा सा वाहियात क्वेश्चन है, मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी, आप सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन है तो इसे करवा देते हैं। क्रा पार्टिकल डिस्क्राइब अ साइक्लॉइड एस इज इक्वल टू 4a sin φ। अब इस समय आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब पढ़ना भी नहीं है इसे। कह रहा है कि विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v देन द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो कह रहा है कि पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, है ना। तो देखिएगा एक बात याद रखना है कि यहाँ पे दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, है ना, कितने टाइप के, दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं। एक होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और दूसरा एक्सीलरेशन होता है हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। दोनों एक्सीलरेशन होते हैं, ये भी एक्सीलरेशन है हमारा और ये भी एक्सीलरेशन है, है ना, चलिएगा। और टेंजेंशियल को हम ए सफिक्स में टी लिखते हैं, ए टी से लिखते हैं और ये होता है हमारा, इसका सूत्र होता है डी वी डी टी होता है, है ना, चलिएगा। रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही था, आप सही है बिल्कुल। और सेंट्रीपेटल को लिखते हैं ए सी से और ये होता है हमारा v² / r के बराबर, ठीक है चलिएगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, अगर हमको दोनों का त्वरण निकालना है, है ना, हमें क्या निकालना है, अगर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है तो ए बराबर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा √ टेंजेंशियल वाले का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल का स्क्वायर, है ना, ये तो ये ए सी है इसका स्क्वायर, चलिएगा ये मिल जाएगा, करते हैं हम। तो भाई जो आर है यहाँ पे ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और R का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ds/dψ और यहाँ पे आपको s इक्वल टू दिया गया है कितना 4a sin φ, तो ये हो जाएगा 4a, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये cos साई हो जाएगी, 4a cos साई हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे हम at निकाल लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकालेंगे, दोनों का फिर वर्ग करके योग करके जोड़ दिया जाएगा, है ना। देखते हैं भाई यहाँ पे निकालते हैं ए टी, तो देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इसको पहले तो एक्सीलरेशन है, पहले तो इसे हम वेग बनाएं,
वेग बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे टी है नहीं, टी के सफिक्स में हमें निकालना क्या है, dv/dt, तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा भाई, टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और रही बात इसकी AC, तो AC इक्वल टू कितना है हमारा, ये हो जाएगा v² / r, तो VAC इक्वल टू कितना हो जाएगा, v² / r, r हमको दिया गया है कितना है 4a cos phi। तो यहाँ पर रख देते हैं दोनों वैल्यूज को, तो हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा प्लस, और इसका वर्ग हो जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा v² / में आ जाएगा 4a cos phi, और इसका वर्ग, वर्ग और वर्गमूल एक साथ हट जाएंगे, जीरो प्लस होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये हमारे पास जो आएगा एक्सीलरेशन आ जाएगा v² / में 4a cos phi। तो भाई ऑप्शन में तो है नहीं कहीं पे कॉस फाई, तो ऑप्शन में कॉस फाई को हटाना है, तो v² / 4a, और इसके अंदर लेंगे रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर साई, हमने कॉस स्क्वायर कॉस फाई को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई, रूट लगा दिया और कॉस स्क्वायर फाई को हम लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, वही लिखा हुआ है। और यहाँ से आ जाइए, यहाँ से साइन फाई निकाल लीजिए, यहाँ से साइन फाई अगर आप निकालेंगे तो निकल के आएगा कितना s/4a, तो s/4a यहाँ पे रख दिया जाए, v² * में आ जाएगा, अपान में तो ये आ गया 4a, और डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16a² माइनस का s² डिवाइडेड बाई 4a आ जाएगा, 4a से 4a काट दीजिए, तो ये आ जाएगा v² / √16a² माइनस a² सी वाला ऑप्शन जो है 68 का वो करेक्ट हो जाएगा, 68 में सी रेखा कुमारी मैडम ने जवाब दिया है, शानदार मैडम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 देखेंगे। कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है, एक पार्टिकल मूव्स हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ये दिया गया है हमको x = 4t³ प्लस, ये कई बार ATS सीरीज में टेस्ट में हो चुका है, प्लस का 5। ठीक है, हमें क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, चूंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है, और ऑफ द फोर्थ सेकेंड, चौथे सेकेंड में एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हम पहले तो क्या करते हैं, ये dx निकाल दीजिए, वेग आएगा पहली बार में, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएंगे, और ये t² हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये d²x dt² जो होगा 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24t हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ द फोर्थ सेकेंड, तो आपको पता है कि फोर्थ सेकेंड का निकालना है, तो एवरेज तो तभी निकलेगा ना, पहले उसके एक सेकेंड पहले निकाल लें, है ना, मतलब कि थर्ड सेकेंड में निकाल लें, क्या करें हम यहां पे, पहले हम एक्सीलरेशन निकालते हैं थर्ड सेकेंड में, प्लस निकाल लें फोर्थ सेकेंड में, दोनों निकाल के 2 से डिवाइड कर दें, तो एवरेज निकल आएगा, है ना, उससे पहले का भी एक 3 सेकेंड, मतलब कि 4 सेकेंड था, तो उससे पहले तीसरा सेकेंड, तो 3 सेकेंड और 4 सेकेंड में एक्सीलरेशन निकाल लिया जाए, तो ये जहां पे टी है वहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24 × 3 प्लस में आ जाएगा 24 × 4 बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अच्छा काट देंगे 2 से, तो ये 12 आ जाएगा, 12 × 3 हो जाएगा 36 प्लस, इसे काटेंगे 12 × 4 = 48 हो जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 84 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, 84 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 69 का, चलेगा साहब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बच रहे हैं वो कल करवा देंगे, फाइनल हो जाएगा 2001 भी। कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर AD इंटरसेक्ट द बेस ऑफ BC ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC,
ये है हमारा ट्राइंगल ABC, जो बेस है BC है, बेस BC है, ठीक है, BC है, तो ए ऊपर हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि जो D है सच दैट DB इज इक्वल टू 3CD, 3CD मतलब जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे मान लो ये 90 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ पे D हो रहा है, और वो कह रहा है जो BD है वो 3CD के बराबर है, है ना। कहने का मतलब ये एक CD है, ये CD है, और जो BD है यहाँ पे, जो BD है, BD इज इक्वल टू कितना है, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये BD इक्वल टू जो हो जाएगा ना, वो 3CD इन्होंने दिया है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कितना, 3CD के बराबर ये है, 1CD ये है, है ना। यहाँ तक की जो दूरी है 3CD है और 1CD ये है, मतलब कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे BC की, तो BC बराबर हो जाएगा 4CD, होगा कि नहीं भाई। 3CD के बराबर ये है और 1CD ये है, तो CD मतलब BC बराबर 4CD हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो CD इक्वल टू मिल जाएगा कितना, BC/4, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाए, एक बार इस ट्रायंगल को लिया जाए और इस ट्रायंगल को लिया जाए, पाइथागोरस जी की प्रमेय लगाई जाए, तो ये आ जाएगा कितना, AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा AB² माइनस BD², चूंकि AD भुजा कॉमन है और AD आंसर में कहीं आ रही नहीं, तो हम AD को ही निग्लेक्ट करने जा रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल को हमने लिया, इसके बाद आ जाओ बगल वाले ट्राइंगल में, तो बगल वाला जो ट्राइंगल होगा वो क्या हो जाएगा, AC² इक्वल टू हो जाएगा क्या, AD² प्लस CD², यहाँ से भी AD² निकाला जाए, तो ये आ जाएगा AC² माइनस का CD² इज इक्वल टू AD², ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को देखिए, दोनों AD² के बराबर हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से आपको मिलेगा क्या भाई, वो मिल जाएगा AB² माइनस का BD² इक्वल टू आ रहा है AC² माइनस CD², ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं आगे, ये BD² है, उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा AB² इक्वल टू, AB² इक्वल टू में आ जाएगा कितना हो जाएगा, AC² और माइनस का CD² हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम BD के बारे में बात करें, उससे पहले एक छोटा सा काम ये करेंगे कि हम BD की जगह पे क्या रख सकते हैं, 3CD रख सकते हैं, तो ये इधर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि 9CD², ये हो जाएगा 9CD², हमने BD की जगह पे रख दिया 3CD उठा के, और ये हो जाएगा AC² माइनस का हो जाएगा CD², ये आ जाएगा AB² इज इक्वल टू AC² को रहने दीजिए, 9CD इनके पास जाएंगी तो 8CD बचेंगी प्लस की, 8CD², ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, 70 में भी पहुंच गए हैं लोग, बहुत बढ़िया है ना, क्या बात है। AC² एक बार दिख रहा है ना अभी, ठीक है, AC² प्लस 8 को यहीं रहने दो, और CD की जगह पे आप रख सकते हो BC/4, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा BC² / 16, काट दो इनको तो ये 2 हो जाएगा, कट गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 LCM लीजिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 AB² इज इक्वल टू 2 AC² प्लस BC², है ना। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 70 का जो बी वाला ऑप्शन है, सेम है ना, 70 का बी। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, हमको लिखा हुआ है कि I इक्वल टू 0 to 32 pi cos की पावर 6 x dx। देखिएगा हमें करना क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि क्या एफ ऑफ 2a माइनस x जो है वो एफ ऑफ x के बराबर है, तो चेक कर लिया जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये cos 6 दिया गया है ना, तो हम इसको लिख देते हैं cos 6, यही रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 32 pi माइनस का x। आप इसे कैलकुलेट करेंगे 2 pi, वही हो जाएगा हमारा 2 के गुणज में है ना, n pi जो होता है 2 के पाई 2 pi, तो कितना हो जाएगा ये 360 माइनस x, है ना, पॉजिटिव ही होता है,
तो कितना हो जाएगा, ये cos x आ जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि f ऑफ 2a माइनस x f ऑफ x के बराबर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ dx को लिख सकते हैं हम, 2 को कर लीजिए बाहर, 0 टू a f ऑफ x dx, है ना। तो इसे लिखा जाए, यहाँ पे ये हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा 0 से पाई, और ये हो जाएगा cos 6x dx, है ना। इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई वाले 2 को भी हमने बाहर निकाल लिया, तो ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 आएगा इस 32 को क्या बना देगा, 64 बना देगा, ठीक है। तो 64 को चुपचाप रहने दीजिए। अब ये हमारे पास गामा फंक्शन बन चुका है, है ना, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, और हमें एक पता है कि 0 से पाई बाई 2 और साइन की पावर में एम एक्स और कॉस के पावर में एन एक्स डी एक्स अगर दिया जाए, तो इसे हम लिखते हैं, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा गामा गामा एम प्लस एन बाई 2 और गामा एन प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में हो जाएगा गामा प्लस एम प्लस गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2, ये होता है। इससे इसका एक्सपेंशन कर देना है। देखिए यहाँ पे भाई साइन तो है नहीं, एन तो है नहीं, तो साइन को ले लीजिए 0, तो ये साइन की पावर में हो जाएगा 0x, है ना। साइन की पावर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी पावर की अगर 0 होता है, किसी भी पावर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, है ना। लगा दिया जाए, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा हमारा गामा 0 प्लस 1 बाई 2, यानी कि आ जाएगा गामा 1 बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, ये गामा है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, गामा है। तो ये हो जाएगा गामा में कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 7 बाई 2, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास एम प्लस एन, एम का मान 0, एन 6 2 8 8 बट्टा 2, यानी कि ये गामा 4 आ जाएगा, अंडर रूट नहीं, गामा है, है ना, गामा 4 आ जाएगा। इसको इससे काट दिया जाए तो यहाँ पे आने वाला हमारे पास 32, तो ये आ जाएगा 32, कोई बात नहीं। हमें पता है कि जो गामा 1/2 होता है वो पाई के बराबर होता है, रूट पाई, है ना, किसके बराबर होता है, ये रूट पाई के बराबर हो जाएगा, तो ये रूट पाई हो गया इंटू, देखिए 7/2 को हम लिखेंगे क्या, 5/2 + 1, और गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन, तो इसी तरह से हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 5/2, कितना आ जाएगा, ये 5/2, फिर अच्छा 5/2 बचेगा तो उसे लिखेंगे 3/2 + 1, तो इसी तरह से 3/2 निकल आएगा, फिर से निकले अंडर गामा के अंदर आ जाएगा 3/2, उसे लिखेंगे 1/2 + 1, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा गामा के अंदर, तो गामा के अंदर क्या होता है, 1/2 जो होता है रूट पाई के बराबर होता है। अच्छा डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये 4 आ गया, है ना, कितना आ गया, ये 4 नीचे क्या लिखा हुआ है, गामा 4 लिखा हुआ है, और गामा एन जो होता है एन माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो ये 4 माइनस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा एन जो होता है एन माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो गामा 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, और ये काट देते हैं इसको, ये जाएगा 2 2 2 4 3 4 2 4 8 8 4 हो जाएगा 32, है ना, ऊपर हो गया कितना, 4 हो गया, रूट पाई का गुणा हुआ तो ये पाई आ गया, गुणे में आ गया हमारे पास 15, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 × 2, है ना, काट दीजिए, 3 5 15, 2 1 9 2 2 2 4, कितना आ जाएगा साहब, ये 10 पाई आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, ये 10 पाई आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया सॉल्यूशन, 71 का 10 पाई करेक्ट हो जाएगा, है ना, 10 पाई, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन 71 में करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, चलेगा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ हाँ, बीटा गामा फंक्शन बन रहा है, वी कैन यूज बीटा गामा फंक्शन, तो कौन सा आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा, ठीक है भाई, चलेगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो उसमें सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 10 पाई। अब यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है डिवाइड एक्स इज इक्वल टू में ई की पावर, ये लिखा हुआ है,
डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए e की पावर में x माइनस वाई है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा e की पावर में 2x, और माइनस में y आएगा ना, माइनस में y आएगा तो उसे हम लिख देते हैं e की पावर में माइनस वाई, अलग कर लिया यहाँ पे e की पावर x का, e की पावर x माइनस वाई का मल्टीप्लाई किया हमने तो e की पावर 2x हो जाएगा माइनस वाई, तो e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस वाई लिख दिया इसको हमने, प्लस देखिए e की पावर x माइनस वाई प्लस वाई, वाई वाई कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर में कितना x आ जाएगा, वो भी ये टर्म्स क्या है, ये टर्म जो है माइनस का है। अच्छा इसके बाद देखेंगे, इसके बाद एक काम करेंगे, ये डी वाई डी एक्स है, देखिए e की पावर y को नीचे लेंगे एलसीएम आएगा तो ये e की पावर y यहाँ आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर y, उसको इधर उठा लाइए, e की पावर x इंटू e की पावर y इज इक्वल टू में e की पावर माइनस वाई चला गया, देखो बट्टे में लिया हमने एलसीएम वो मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे सिर्फ बचा है क्या हमारे पास e की पावर 2x, है ना। एक काम करते हैं यहाँ पे इसे लेट करते हैं, मान लिया जाए मान लीजिए यहाँ पे कि जो e की पावर y है वो किसके बराबर है, e की पावर y को आप v के बराबर मान लीजिए तो कितना आ जाएगा ये e की पावर y, और y का फिर से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा डी वाई डी एक्स आ जाएगा और ये डी वी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब e की पावर y डी वाई डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं डी वी डी एक्स, यहाँ रख दीजिए, ये आ जाएगा डी वी डी एक्स प्लस e की पावर x को चुपचाप रहने दिया जाए, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर में 2x, है ना। अब इसका इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लिया जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा e की पावर में आ जाएगा इंटीग्रेशन v के साथ कौन है इंटू में e की पावर x, x वाला टर्म कर दिया हमने और ये dx, यानी ये आ गया e की पावर में e की पावर x, है ना, e की पावर में कितना e की पावर x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा v, v इंटू इंटू e की पावर में कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना e की पावर में ax हो जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा e की पावर में 2x q वाला आ गया और क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी ले लीजिए e की पावर में x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। एक काम करेंगे अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना e की पावर x इज इक्वल टू t, है ना, e की पावर x जहाँ पे वहाँ क्या लिख सकते हैं t, तो कितना आ जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। देखिए यहाँ पे e की पावर 2x लिखा है ना तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x, तो एक e की पावर x, एक तो ये हमारा हो गया, आप कन्वर्ट कर रहे हैं आफ्टर लेट करने के बाद, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v, तो चुपचाप रहने दीजिए v को, अभी v ही रहने दीजिए, e की पावर x को आपने t माना तो e की पावर t इसे कर दीजिए इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए e की पावर 2x लिखा है ना इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x, तो जो एक e की पावर x है वो dx के साथ एडजस्ट होकर dt बन जाएगा और जो एक e की पावर x बचेगा वो t हो जाएगा और ये आ गया t इंटू e की पावर t dt हो जाएगा। बात समझ में आई ना भाई, अगर मान लीजिए ये e की पावर 2x है ना, हम इसे लिख देते क्या e की पावर में 2x था, एक x यहाँ से हटा दीजिए और ये लो e की पावर x इंटू e की पावर x हो गया, एक ये e की पावर x dx dt के साथ चला गया और इसकी जगह हमने क्या रख दिया t रख दिया, चलेगा इसे चुपचाप पे रहने दिया जाए v इंटू e की पावर t इक्वल टू भाई इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट e की पावर t को फर्स्ट मान लीजिए, e की पावर t ये रहेगा तो ये आ जाएगा t इंटू e की पावर t माइनस सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड का क्या करते हैं हम यहाँ पे सेकंड का करते हैं फर्स्ट का क्या, ये सेकंड माना था ना इसको हमने, सेकंड का हमने इंटीग्रेशन किया फर्स्ट हो गया डिफरेंशिएशन, ये वन हो जाएगा और e की पावर t का इंटीग्रेशन वही रहेगा e की पावर t, ठीक है फिर से dt हो गया हमारा ये। अच्छा ये v इंटू में आ गया e की पावर t इक्वल टू t इंटू e की पावर t और माइनस का ये भी आ जाएगा e की पावर t प्लस c, दोनों साइड ना e की पावर t से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा v इक्वल टू कितना t माइनस का वन प्लस सी इंटू ई की पावर में आ जाएगा माइनस का टी, वी का मान रख दिया जाए यहाँ पे तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी का वैल्यू हो जाएगा ई की पावर वाई इक्वल टू टी, टी की जगह पे हम क्या रखेंगे ई की पावर में एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू में ई की पावर ये माइनस हो गया और ई की टी की जगह पे क्या रखना है ई की पावर एक्स, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है
पहला वाला ऑप्शन जो है 62 का वो करेक्ट हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है। बी डी यादव सर प्रणाम, चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है, शायद 72 है ये, है ना, 62 नहीं 72 है, 72। तो 72 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 में क्या कह रहा था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी हुई है, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लिया जाए। ये लिखा हुआ है वाई पी माइनस एक्स पी स्क्वायर, पी का मतलब डिवाइड एक्स, है ना, माइनस का ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ से वाई इक्वल टू निकाल लीजिए, इसका हमें डिफरेंशियल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, और एक तो ए आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा कितना, एक्स पी स्क्वायर, और पी से कर दो डिवाइड सभी में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बाई पी प्लस एक्स पी, है ना। और फिर क्या करिए, पी को रिप्लेस कर दीजिए, पी को रिप्लेस कर दीजिए सी से, जहाँ पी है वहाँ पे सी रख दीजिए, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू कितना, ए प्लस एक्स, आप पी से पी कटेगा ना, तो एक तो ए बटे ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 73 में जो डी वाला ऑप्शन है, एकदम सेम वाला ऑप्शन है ना, तो 73 का कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम का, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि अ बॉडी अंडर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कवर्स 20 मीटर एंड 60 मीटर इन इज फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में, पहले सेकेंड में क्या कर रही है भाई, 20 मीटर जा रही है ना, ठीक है, चलेगा। मान लेते हैं कि जो पहला सेकेंड हुआ होगा, T1 बराबर क्या रहा होगा, 1 सेकेंड रहा होगा, तो इस दौरान जो डिस्टेंस कवर की गई होगी वो 20 मीटर कवर की गई होगी, है ना, हमको इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, चलिएगा। तो S बराबर फार्मूला क्या यूज होता है, S बराबर क्या, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। S कितना दिया गया है, 20, T की जगह पे कितना रखना साहब, 1, तो ये आ जाएगा U प्लस, और A नहीं पता, T का मान 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साहब A बाई 2। अगर आप LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 बराबर 2U, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा 4 बना लेते हैं, 2U प्लस का A, है ना, इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, 2 सेकेंड के बाद। 2 सेकेंड के बाद वो क्या करता है, मतलब कि पहले वाले में कितना, 20, पहले सेकेंड में 20 करता है और आगे वाले में क्या करता है, 60, तो इज फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब पहले वाले में हो गया 20, और अगली बार कितना हो जाएगा, जो हमारा टाइम हो जाएगा कितना, 2 सेकेंड का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगी, तो 20 तो पहले कवर की जा चुकी है, बाद में कितना की जा रही है, 60, यानी कि डिस्टेंस इस दौरान कितनी हो गई, 80 मीटर, है ना। तो यहाँ से लगा दिया जाए S, S का मतलब कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू UT, तो कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा, T का मान 2 रखना है, प्लस हो जाएगा 1/2 A, और T का मान कितना हो जाएगा, 4, इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा ये, और दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो इधर आ जाएगा ये 40 बराबर कितना आ जाएगा, 2U, 2 तो कट गया ना, U प्लस A। अच्छा, वहाँ पे चलें तो देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो मिलता है आपको 2U प्लस A बराबर में U प्लस A, A से A काट दीजिए, और 2U माइनस U, यानी कि U इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी हमको, प्रारंभिक वेग कितना मिल जाएगा, 0, यानी कि 74 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, ठीक है। रेखा कुमारी मैडम, हाँ, ये कौन सी फॉर्म बन रही थी हमारी, क्लियर आउट्स फॉर्म बन रही थी, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा था कि फाइंड ए क्रॉस बी, हाँ, ए कितना दिया गया है, बी भी दिया गया, सबको हमको ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है आई, ये है जे, और ये है के, आ जाइए यहाँ पे, रखते हैं 2, और ये 3, और ये 6, बी के साथ रखते हैं, ये आ जाएगा 3, और ये माइनस का 6, और ये आ जाएगा 2, करते हैं मल्टीप्लाई, आई इंटू, ये छूटेगा,
कितना हो जाएगा 6 + 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे साहब 42, माइनस जे इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा 4 - 18 का मतलब क्या हो गया माइनस का 14, प्लस के इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा माइनस का हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 9, 12 और 9 कितने हो जाएंगे माइनस के 21 हो जाएंगे 21, कर लिया जाए इनको कैलकुलेट, ये कितना हो जाएगा 42 आई प्लस 14 जे माइनस का 21 के, 42 आई प्लस 14 जे माइनस 21 के, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 75 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 75 में बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करते जाइए आप भी, है ना, मज़ा तभी आएगा, अकेले नहीं मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, कह रहा था फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है यूजिंग देयर वेक्टर प्रोडक्ट, हमें वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके इनको निकालना है, है ना। चलिएगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एंगल निकाल लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, है ना, ए और बी जहाँ पे क्या है मॉडुलस है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, आई का आई से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, फिर जे का जे से करोगे माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 4, पहले वाले का मॉडुलस निकालिए कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 + 16, दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, 3 में 4 गए तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर ये आ जाएगा 5√3 cos θ, है ना, यानी कि यहाँ से हमको मिलने वाला है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/5√3। अब देखिए कॉस की वैल्यू आई है लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, तो साइन में चेंज करके देख लेते हैं, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट होता है 1 - cos²θ, अंडर रूट हो जाएगा 1 - इसका ऊपर वर्ग किया जाए 1/25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, है ना, कैलकुलेट करेंगे इसको तो आ जाएगा अंडर रूट कितना भाई 74/75, ठीक है 74 को तो चुपचाप फंसा रहने दो, 74 हो गया, 75 को हम लिख सकते हैं 5√3, 25 + 75 तो 5√3, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना 76 का ए होगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो 76 में हीरेंद्र राठौर जी कह रहे हैं बी सही होगा, साइन थीटा बराबर 74 तो नहीं आएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √74/5√3, है ना साहब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 76 में ए सही था, बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम, शानदार। आगे बढ़ते हैं साहब, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द, देखिएगा हमको क्या करना है, पहले तो स्फीयर की इक्वेशन मान लेनी है ना, लेट कर लेंगे, लेट स्फीयर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। अब देखिए आपको पहले तो इसे पास कराना है कहाँ से, 0, 0, 0, तो जब आप इसे पास करवाएंगे कहाँ से 0, 0, 0 से, तो आपको ये दे देगा d = 0, मतलब x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से d = 0। अब हम इसे पास करा रहे हैं इसी इक्वेशन को a, 0, a से, जब इसे हम पास करवाएंगे x की जगह पे a रखेंगे, y की जगह पे 0 और z की जगह पे 0, तो ये हमको मिलेगा क्या मिलेगा देखते हैं, ये हमको मिलेगा भाई जहाँ पे x है वहाँ पे a रखना है और सब जगह 0 रख दीजिए, d की जगह पे 0 रखना, इवन a स्क्वायर प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2u x की जगह पे क्या a इक्वल टू कितना आ जाएगा साहब 0 आ जाएगा, a को कॉमन लेके 0 कर दीजिए कि यानी a + 2u = 0 हो जाएगा,
यानी कि u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a बाई टू। ऐसे ही आप पास करवाएंगे 0, b, 0, b, 0 से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे v बराबर माइनस बी बाई टू, और सेम आप w से जब पास करवाएंगे तो मिल जाएगा माइनस c बाई टू। डब्ल्यू बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस c बाई टू। इसी क्वेश्चन में उठा के रख दीजिए, यानी कि जहाँ पे क्या रखना भाई, यहाँ पे u की जगह पे क्या रखना है, माइनस का a बाई टू। तो हमारी इक्वेशन आएगी जो कन्वर्ट होके वो आ जाएगी x स्क्वायर पहले तो प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का कितना, ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स हो जाएगा। जहाँ पे u है वहाँ पे हमको माइनस ए बाई टू रखना है, टू से टू कट जाएगा तो माइनस का ए एक्स हो जाएगा, आगे वाला माइनस का बी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स हो गया, माइनस का बी एक्स हो गया, अरे माइनस बी वाई 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 वाई, और माइनस का सी जेड हो जाएगा, डी का मान जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी जेड। तो 77 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रेखा कुमारी मैडम, बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रश्नों को हल कर रही हैं, है ना। चलेगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 यानी कि 78। क्या पार्टिकल मूव्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हैविंग द सेम पीरियड, कह रहा है पीरियड सेम है बट डिफरिंग इन फेज, यहाँ पे फेज और एम्पलीट्यूड दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू जो होता है ए साइन ओमेगा टी होता है, है ना, ए साइन ओमेगा टी। जहाँ पे जो ए है वो एम्पलीट्यूड है और जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, है ना। ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हैविंग द सेम पीरियड बट डिफरिंग इन फेज, है ना। फिर क्या कह रहा है कि मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, फेज भी चेंज हो रही, तो हमने मान लिया ये वाई बराबर हो रही है और एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, दोनों डिफरेंस हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे बी ले लिए, और डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओमेगा टी की जगह पे क्या हो रहा है, पाई बाई टू परपेंडिकुलर हो रही है, तो पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो ये कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा कितना, 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी, ये वाई इक्वल टू आ गया, ये आ गया हमारा इक्वेशन टू, है ना। अच्छा इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन टू से हम लिख सकते हैं वाई बाई बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। हम चाह रहे हैं कि साइन और कॉस वाले टर्म्स को गायब किया जाए, इसीलिए हमने ऐसा किया है, है ना। मान लो इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन फोर है, दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी, इलिप्स की। यानी कि 78 में जो एन इलिप्स है ना, 78 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। सुधीर सर बिल्कुल सही जो आप, है ना, सुधीर सर सेवन बी नहीं सर, पहला बोला नहीं, ये आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक इलिप्स हो जाएगी, हाँ एन ए बिल्कुल रेखा मैडम बिल्कुल सही। क्या कि इफ यहां पे दिया गया है हमको एकक सदिश दिया गया है, कह रहा है कि ये एकक सदिश ए बी और सी क्या है, ये यूनिट वेक्टर हैं, तो हमें पता है जो अगर यूनिट वेक्टर हैं तो इनके सबके जो मॉड होंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, वन हो जाएगी, है ना। तो हमें वैल्यू निकालनी है, और हमसे कह रहा है कि ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। दोनों साइड क्या करिए आप, वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर इसका हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, एकक सदिश ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू, ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे वन प्लस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, ये थ्री प्लस आ जाएगा दो इंटू,
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी की प्लस सी डॉट ए की, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। 79 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 79 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सुधीर सर शानदार, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन कितने होंगे ये हमको बताना है। तो एक बात आप याद रखेंगे, यहां पे am जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है gm से, है ना। यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन से। तो हम इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेते हैं, यह आ जाएगा 2 की पावर x प्लस में 2 की पावर माइनस x बाई 2, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। समांतर माध्य है ना, ग्रेटर देन रूट के अंदर आएगा, ज्योमेट्रिक मीन इन्हीं का ले लिया जाए तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस x, यही तो होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। चलिएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस y बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा 2 की पावर में x माइनस x, 2 की पावर 0 यानी कि 1, वर्गमूल आएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। और ये आ गया 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2। और आपको पता है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, cos ex रख सकते हैं, cos ex ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और आपको पता है जो cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 से बड़ा या 2 के बराबर, आपको पता है कि किसी cos के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा और ये इम्पॉसिबल वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि cos का जो एंगल होता है, जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। 2 तो कभी होगी ही नहीं, ना 2 के बराबर होगी और ना 2 से बड़ी होगी, है ना। तो क्या होगा भैया, नो रियल सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, 0। 80 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे अंकुर सर का, बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 में फैक्टर ही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, फैक्टर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिएगा साहब, फाइंड किया जाए, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसे मल्टीप्लाई में करते हैं, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 5 60, है ना। 60 के हमको गुणनखंड करना है, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 12 5 7 होता है, तो कितना आ जाएगा ये, 4 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर, धन के आप ले लीजिए 12x और माइनस के ले लीजिए 5x, तो हमको पता है कि 12 में 5 जाएंगे तो प्लस के 7 बचेंगे, मतलब कि फैक्टर जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट किए जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, इन दोनों में पेयर बनाएंगे तो 4 आएगा कॉमन, 4x कॉमन आएगा, ये अंडर रूट 5x हो जाएंगे, प्लस 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 5 ले लीजिए कॉमन, तो ये भी बचेगा अंडर रूट 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो जाएंगे, एक आ जाएगा हमारा अंडर रूट 5x प्लस का 3 और दूसरा आ जाएगा 4x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू हमको मिल जाएगी अंडर रूट 5/4 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3/√5, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 81 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 81 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और 81 में ए सही हो जाएगा, अंडर रूट 5/4 और माइनस का 3/√5, है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा सा देखना है, बाकी ऑप्शन देखिए सेम सेम से लग रहे हैं, अगर थोड़ा सा देखने में गलती हुई तो फिर गलत हो जाएगा छोटा सा प्रश्न, है ना। सुधीर सर 81 में ए वाला सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, 82 क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है द वैल्यू ऑफ द साइन 12। अब देखिए ये बन रहा है, सूत्र बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये सूत्र बन गया साइन ए प्लस बी,
साइन 12 प्लस 78 दोनों को ऐड करेंगे साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है साहब, 1 होता है। तो 82 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है ना, 83 में ए दिया गया है हमको, एक मैट्रिक्स है, ये है अल्फा और ये बीटा, ये है गामा और ये है डेल्टा, हमको निकालना है इसका एडजॉइंट। तो 2x2 का जब भी कोई मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट निकालने का बहुत ही बिंदास सा तरीका है। हमें करना क्या होता है, इन दोनों की जगह बदल देनी होती है ना, मेन डायगनल के एलिमेंट्स की जगह बदल दीजिए। तो हमने यहाँ पे डेल्टा को रख दिया और यहाँ पे अल्फा रख दिया, और दूसरा वाला जो डायगनल है उनमें सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए, है ना, प्लस वाला है तो माइनस कर दीजिए, माइनस वाला है तो इसे प्लस कर दीजिए। ये आ चुका है एडजॉइंट ए, है ना, और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन दोनों प्लस के थे ना तो माइनस का गामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 83 का वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, 83 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे रामचरण सर का, रेखा कुमारी मैडम का, सुधीर श्रीवास्तव सर का, बहुत ही बढ़िया सर, चलेगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, आई इज इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रेशन लॉग एक्स बटा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, है ना। देखिएगा एक काम करते हैं, प्रश्न थोड़ा खतरनाक लग रहा है तो हम इसे एक काम करते हैं, यहाँ पे log x को t ले लेते हैं, ठीक है, बेस e है हमारा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा कितना 1/x dx इज इक्वल टू कितना dt, यानी कि dx इज इक्वल टू हो जाएगा x dt, और x को हम क्या लिख सकते हैं e की पावर t। अब यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए, e की पावर में कितना आ जाएगा, x इंटू में आएगा x dt, तो हमने उसको लिख दिया e की पावर t dt। आते हैं वापस, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न है हमारा i इक्वल टू दिया है उन्होंने, i इक्वल टू हमने लिख दिया इंटीग्रेशन log x की जगह पे हमने t माना है, t डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और साथ में जहाँ dx है उसकी जगह पर रखना e की पावर t dt, है ना। अब एक काम करेंगे, t के साथ क्या करो, प्लस का एक कर दो और माइनस का एक कर दो, है ना, कर दिया हमने t प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस टी नीचे बना ना तो कट जाएगा। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग क्यों करेंगे, अभी सिर्फ डिवाइड करिए, इंटीग्रेशन में रहने दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा, देखो मगर t प्लस 1 बटे t प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस टी, माइनस का आ जाएगा 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और e की पावर t को आप रखो बाहर और ये dt। अब आपको पता है कि ये 1/1 प्लस टी का ना इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिया गया है, और ऐसी सिचुएशन में जब हमको क्या दिया जाए, वो दे दे इंटीग्रेशन, दे दे एफ एक्स दे दे, और साथ में एफ डैश एक्स भी दे दे, ये दोनों जब दे दे तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। चलिएगा तो भाई ये देखिए, यहाँ पे 1/t+1 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिया गया है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो सिर्फ फंक्शन हो जाएगा, यानी कि 1/1 + t आ गया, 1/1 + t इंटू आ जाएगा e की पावर t प्लस का c आ जाएगा, ठीक है, t की जगह पे आपको पता है log x रख दिया जाए, दिया जाएगा 1/1 + का log x हो जाएगा, ठीक है, और e की पावर t है तो e की पावर t को अभी हमने थोड़ी देर पहले e की पावर t x के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस सी, यानी कि ये आ जाएगा हमारा x बटे में 1 + log x + c, है ना। तो ये d वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, x बाई 1 + log x + k, है ना, ठीक है। तो कौन सा, 84 में d ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल विनीत कुमार सर, रेखा कुमारी मैडम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। इस प्रश्न में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, उसे ठीक कर लिया जाए। ये है 0, यहाँ पे पॉइंट है, दशमलव लगा हुआ है ना, यानी कि ये लगा हुआ है लॉग
0.3 और यहाँ पे है x माइनस वन लेस देन है, ये लॉग देखिए 0.09 लिखा है ना, हम इसे लिख देते हैं 0.3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी है हमारे पास x माइनस वन। ठीक है, करते हैं कैलकुलेशन इसका। अब देखिएगा ये हो जाएगा, वही रहने दीजिए लॉग में 0.3 और ये x माइनस वन लेस देन, अच्छा ये देखिए यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, अब ये जो पावर है नीचे, मान लो इसकी पावर 1 होती तो ऊपर 1 आती, ये नीचे 2 आता, 1/2 हो गया, लॉग हो गया हमारे पास 0.3 और ये हो जाएगा x माइनस वन। अच्छा ये जो 1/2 पावर है वहाँ पर रूट में चली जाएगी, है ना, 1/2 पावर जो है वो क्या होगी, रूट में चली जाएगी, और ये आ जाएगा x माइनस वन। अब वो लेस देन नहीं होगा, जब ये रूट में पहुंच जाएगी तो वो छोटा हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा कितना, x माइनस का वन, है ना, रूट में कितना आ जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा। चलिए करते हैं कैलकुलेट, इसको वर्ग कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन और माइनस का 2x ग्रेटर देन x माइनस वन, सबको इधर ही उठा लाइए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के आ जाएंगे 3x माइनस के आ जाएंगे 2, है ना, कितना आ जाएगा ये, और प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, फैक्टर करेंगे इसके तो एक फैक्टर इसका आ जाएगा 2 माइनस 2, एक आ जाएगा हमारा x माइनस 2 और एक आ जाएगा x माइनस टू, दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा देखते हैं भाई, यहाँ पे एक वैल्यू हमको यहाँ 1 मिल जाएगी, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, है ना, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, है ना। चलिएगा ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, चलिए 1 और 2 के बीच की एक वैल्यू रखा जाए यहाँ पे, पहले इधर की रख लिया जाए, हम यहाँ की वैल्यू रख रहे हैं एक यहाँ पे, आगे जो होगी वैल्यू हमारे पास 0 होगी, चलो 0 रख के देखते हैं, तो मतलब इधर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हमको पॉजिटिव वाला ही लेना है। 1 और 2 के बीच की वैल्यू ले लिया जाए कितना, 1 और 2 के बीच की वैल्यू ले लीजिए आप 1.5 यानी कि 3/2, तो 3/2 यानी कि हो जाएगा माइनस का 1/4 और ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1, ये पॉजिटिव आ जाएगा यानी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये सेक्शन पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, और इसके बाद ये वाला भी बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा, है ना, 2 भी नहीं लिया जाएगा, भाई ग्रेटर देन आना चाहिए तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 3 रख के देखिए, 3-2 पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये वैल्यू भी ली जाएगी, मतलब जो हमारा x होगा वो बिलोंग करेगा, है ना, जो x होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ कहाँ, एक तो ये बिलोंग करेगा जो x होगा हमारा वो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आएगा, 1 तक, वो भी ओपन इंटरवल में, और यूनियन होगा साथ में ही, ये पार्ट छोड़ने के बाद वो यूनियन हो जाएगा हमारा 2, इनफाइनाइट, है ना, 2 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। बट अभी हम इसे फाइनल नहीं करेंगे, एक बात और हमें पता है कि लॉग के साथ जो ये वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि x माइनस वन क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, x माइनस वन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तभी वो लॉग के साथ ले आ जाएगा, यानी कि x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, जो x का मान होगा ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ से, है ना, तो मतलब ये वाला जो है वो नहीं लिया जाएगा और x बिलोंग हो जाएगा क्या, 2, इनफाइनाइट, है ना, ग्रेटर देन 1, यानी कि ये नहीं लिया जाएगा, वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा इंटरवल सिर्फ इतना है 2, इनफाइनाइट, है ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल 2, इनफाइनाइट, तो 25 में कौन सा सही हो जाएगा साहब, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, 85 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा।